Oh yeah. CSAT acts as a screening test for the Civil Services Preliminary Examination. It evaluates a candidate's aptitude, reasoning, and problem solving skills, which are essential for a career in civil services. Qualifying CSAT is a prerequisite for the MAINS exam, making it crucial for UPSC aspirants in achieving the goal of CSE success. To help you assess your readiness, we are conducting an All India CSAT Prelims Open Mock Test 2 on 21st January. A golden chance to sharpen your skills, identify weaknesses, and fine tune your exam strategy. Available online on 21st January. Attempt it from anywhere and free of cost within the window of 2 hours. Online mode only available in English and Hindi So hello my dear students तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज घन और पासा तो अभी तक किस चैप्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इससे तेरह क्वेश्चन आ चुके हैं 2023 में भी दो प्रश्न आए थे इससे पहले हम डिस्कस करेंगे पासा पासा दो तरीके का होता है बेटा एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड जिसको आप अगर इंग्लिश में बोलोगे तो क्या होगा एक सामान्य पासा और दूसरा मानक पासा एक होगा स्टैंडर्ड दूसरा होगा नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड लिखो या मानक और साधारण लिखो, जो मर्जी लिख लो आप ठीक है ना तो पहला स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा कोई भी पासा देखोगे तो पासे में आपको एक बार में कितने फेस दिखाई देंगे बेटा कोई भी छोटा पासा है जैसे लूडो वगैरह में देखते हो आप ठीक है ना खेलते हैं तो उसमें अधिकतम कितने फेस आपको दिखाई देंगे कितने फलक छे छे एक साथ में देख लोगे बेटा आंखें ऐसे निकाल के वो करो नहीं ना एक बार में तो आपको तीन ही दिखाई देंगे ठीक है ना चलो <coughs> एक बार में किसी पासे के अधिकतम आपको तीन ही फेस दिखाई देंगे। अगर आपको टॉप दिखाई देगा तो यहाँ बॉटम वाला नहीं दिखाई देगा अगर आपको राइट हैंड साइड दिखाई देगा तो लेफ्ट नहीं दिखाई देगा फ्रंट दिखाई देगा तो बैक साइड नहीं दिखाई देगा छह फेसिज होते हैं जो स्टैंडर्ड पासा होता है उसमें छे के छह फेसिस पे एक से लेके छ तक बिंदु होते हैं उसके ऊपर डोट बने होते हैं ठीक है ना एक फेस पे एक डोट होगा फिर दो डोट होंगे फिर तीन होंगे इस तरीके से तो स्टैंडर्ड पासे में मानक पासे में एक पार्टिकुलर पैटर्न बना होता है क्या पैटर्न होता है वो बताओ नहीं दिखेंगे तीन ही हाँ क्या पैटर्न होता है हाँ विपरीत विपरीत जो फलक होते हैं ना उस पे जो बिंदु बने होते हैं जो डोट बने होते हैं उनकी संख्या का योग सेवन होता है यानी कि अगर इसके ऊपर एक डोट बना होगा एक बिंदु बना होगा तो इसके नीचे छह बिंदु बने होंगे विपरीत का सम हमेशा विपरीत का योग हमेशा सात होता है इसका मतलब अगर आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा है तो कौन सा बिंदु नहीं दिखाई देगा छे नहीं दिखाई देगा अगर वन दिखाई देगा तो छ नहीं दिखाई देगा तो मानक पासे में एक के विपरीत छे होता है या ऐसे बोलो एक और छे में से कोई एक संख्या दिखाई देगी इसी तरीके से दो और पांच में से कोई एक संख्या दिखाई देगी आपको दो और पांच दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे इसी तरीके से तीन और चार में से कोई एक संख्या दिखाई देगी तीन और चार दोनों दिखाई नहीं देंगे क्लियर है <coughs> अगर ये स्टैंडर्ड पास है सामने अगर तीन डॉट बने हुए हैं या तीन तीन संख्या लिखी हुई है तो आप क्या कह सकते हो बेटा तो बैक साइड में चार लिखा होगा कोई दिक्कत यहां तक इसे बोलेंगे मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा सामान्य पासा जो होता है जो मानक नहीं होता वो सामान्य होता है उसमें आप इन डॉट की बजाय इन संख्याओं की बजाय आप ऐसा भी कर सकते हो ए बी सी डी ई एफ ये भी लिख सकते हो पी क्यू आर एस सीमा मीना टीना ये भी लिख सकते हो जो मर्जी लिखो बेटा ठीक है ना तो मानक पासे की बात करेंगे पहले एक प्रश्न लिखें ये ये क्लियर हो गया बेटा मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा साथ होता है ठीक है ना तो अगर या या यहां पे ये लिख दू मानक पासे में कोई भी तीन फेस जो आपको दिखाई दे रहे होंगे उनका जोड़ कभी साथ हो सकता है क्या नहीं होगा बिकॉज एक अगर आपको तीन दिख रहा है तो चार दिखेगा नहीं अगर यहां पे आपको छ दिख रहा है अगर आपको छ दिख रहा है तो इसका मतलब एक नहीं दिखेगा अगर आपको यहां पे दो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब पांच नहीं दिखाई देगा तो कभी भी जो आपको फेस दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसी भी दो का जोड़ सात नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसके साथ सात जोड़ बनेगा वो गायब होगा छह दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा एक दिखेगा तो छह नहीं दिखेगा कोई दिक्कत यहां तक तो लिखे एक प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस एक दो पांच दो तीन चार चार पांच छ एक चार कौन सा बेटा सी वाला <coughs> बेटा आप ये किताब क्यों खोलते हो इसमें से पढ़ाई कर रहे हो क्या साथ नॉन स्टैंडर्ड आई यह सामान्य होता है बेटा ठीक है ना चला <coughs> इनमें से बताओ इनमें से कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है सी? ओके क्यों नहीं हो सकता Because इसमें दो और पांच एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो यह नहीं हो सकता इसमें क्या कमी है बेटा इसमें चार और चार और तीन दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं होगा इसमें कोई कमी नहीं है इसमें एक और छह दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ए बी और डी ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकते तो इसका मतलब जो सी है वही स्टैंडर्ड हो सकता है कोई दिक्कत यहां तक ठीक है बच्चे चलो लिखे अभी एक और प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पासा मानक पासा नहीं होगा निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा नहीं होगा आपको बताना है कौन सा नहीं होगा अब उसका उल्टा है कौन सा नहीं होगा हाँ जी बेटा देखो बेटा अगर किन्हीं भी दो विपरीत स्टैंडर्ड पे क्या होता है हमेशा विपरीत का अपोजिट का सम साथ होना चाहिए तो अगर अपोजिट का सम सात होगा तो वो दिखेंगे नहीं जो दिखने वाले पास जो दिखने वाले फेस होंगे उन पे कभी भी साथ नहीं होना चाहिए अब ये प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड नहीं होगा इसमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं इसमें क्या दिक्कत है बेटा तीन और चार देखो एक साथ दिख रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता अगर चार ऊपर है तो तीन नीचे होना चाहिए था इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हमारा जवाब बी हो जाएगा कोई दिक्कत यहां तक आंसर विल बी बी ओके बच्चे अब प्रश्न में अगर कुछ भी नहीं दिया जाए तो आपको ये नहीं मानना है कि ये स्टैंडर्ड है एग्जामिनर आपको क्या देगा वो बोलेगा एक पासा है उस पासे को दो बार फेंका गया तीन बार फेंका गया और उसके अलग अलग व्यूज दे देगा अलग अलग दृश्य देगा और फिर वो बोलेगा कि अगर इसके टॉप पे एक, एक है तो बॉटम पे क्या होगा अब वहां पे यह नहीं मान के चलना कि वो स्टैंडर्ड है नहीं तो फिर ये चित्रकारी करने का क्या फायदा होगा ठीक है ना एक पासे को आपने दो बार फेंका और उस पासे के दो अलग अलग विजुअल या व्यूज इस टाइप से दिखाई देंगे आपको दो अलग अलग पोजीशन इस तरीके से दिखेंगे पांच दो तीन चार छ दो एक ही पासे को आपने दो बार फेंका और ये दो अलग अलग व्यूज दिखाई दे रहे हैं उसके तो आपने बताना है कि चार के विपरीत क्या होगा इसमें छे के विपरीत क्या होगा ये बताना है। छे के विपरीत क्या होगा छ के विपरीत कैसे पता लगा बेटा इतना जल्दी छे के विपरीत वन कुछ बच्चों ने बोला है क्या होगा बेटा पांच होगा पक्का चलो <coughs> तो एक रूल लिखते हैं बेटा रूल नंबर वन यदि किसी पासे के दो दृश्यों में यदि किसी पासे के दो दृश्यों में यदि किसी इंग्लिश में दो दृश्यों में एक फलक कॉमन हो एक फेस कॉमन हो यदि किसी पासे के दो दृश्यों में एक फलक कॉमन हो, हो।, हो तो अब तो के बाद यहाँ पे देखते हैं पहले समझ लेते हैं किन में कितने फेस कॉमन है बेटा एक फेस कॉमन और वो कौन सा है दो है तो उस कॉमन से ही शुरू करना है आपने और इनको क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखना है ऐसे लिख दो दो से शुरू करो और क्लॉकवाइज लिख दो तो यहाँ पे लिखोगे दो फिर क्या आएगा तीन फिर पांच वहां पे भी कॉमन से शुरू करना है दो चार छः ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो चा, तीन पेर होते हैं तीन युगम होते हैं उसमें से दो युगम पता चल गए तो जो बचा हुआ वो कौन सा युगम होगा एक होगा तो वो एक किसके विपरीत जाएगा दो के विपरीत तो ये बनेगा ठीक है ना मैं रिपीट करता हूं यदि किसी पासे के दो दृश्यों में एक ही फेस कॉमन हो एक ही फलक कॉमन हो तो आगे कंप्लीट करेंगे तो कॉमन फलक से शुरू करके कॉमन फलक कॉमन फेस से स्टार्ट करके सभी फलकों को क्लोकवाइज लिखेंगे जैसे यहां पे लिख दिया लिख दो ऐसे दो तीन पांच तो पूरा डिटेल में लिख लेना इन दोनों ये चित्रकारी करो बेटा ये डायग्राम बनाओ जैसे इन दोनों आकृतियों में एक ही फेस कॉमन है जिसपे दो लिखा हुआ है ठीक है ना एक ही फेस कॉमन है जिसपे दो लिखा हुआ है अतः दो से शुरू करके ये संख्याएं लिखोगे दो तीन पांच दो चार छ दो चार तो आप लिखेंगे पांच और छह एक दूसरे के विपरीत तीन और चार एक दूसरे के विपरीत तथा मिसिंग फेस मिसिंग फलक कौन सा मिसिंग है बेटा? एक।, एक है ना मिसिंग मिसिंग फलक मिसिंग फेस जो होगा वो किसके विपरीत होगा जो दोनों में कॉमन होगा जो दोनों में कॉमन है ना उसके विपरीत कौन सा होगा जो मिसिंग होगा ठीक है तो यहां पे मिसिंग फेस एक और बचा है तीसरा युगम बनेगा दो और एक का तो दो तथा एक एक दूसरे के विपरीत होंगे सारे फलक पता चल गए आपको कोई दिक्कत अब रूल नंबर दो यदि यदि किसी पासे के यदि किसी पासे को दो बार उछालने पर या किसी पासे की दो आकृतियों में किसी पासे की दो आकृतियों में दो फलक कॉमन हो दो सतह या दो फलक कॉमन हो तो गैर कॉमन दैट इज नॉन कॉमन ठीक है ना तो गैर कॉमन फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे तो गैर कॉमन फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे गैर कॉमन फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे जैसे डायग्राम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक दो पांच एक चार एक चार दो इन दोनों में दो फलक कॉमन है कौन कौन से हैं एक और दो कॉमन है ना बेटा इन दोनों में दो फेस कॉमन है एक तो एक और दूसरा दो एक और दो कॉमन है तो क्या कह सकते हो आप तो तो और चार एक दूसरे के तो गैर कॉमन गैर कॉमन होंगे पांच और चार तो पांच और चार एक दूसरे के विपरीत होंगे पांच तथा चार एक दूसरे के विपरीत होंगे बाकी अगर आपसे पूछा जाए दो के विपरीत क्या होगा दो के विपरीत छे हो सकता है एक के विपरीत क्या होगा वो भी तीन या छे हो सकता है तो कहा नहीं जा सकता कोई दिक्कत बच्चों तक? ठीक है? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो प्लीज ईमानदारी से हाथ उठाओ ठीक है पिछला समझ में आ गया था अब यहां पे देखो दो फेसेस हैं। इन दोनों डायग्राम में कितने फेस कॉमन है दो फेस कॉमन है एक दो इसमें भी एक दो तो जो बच गए ना इधर क्या है और इधर क्या है दो गए एक दो इधर भी एक दो तो जो गैर कॉमन होंगे ना जो नॉन कॉमन होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे तो इन दोनों में जो गैर कॉमन है वो कौन कौन से हैं चार चार उसमें और पांच इसमें पांच तथा चार एक दूसरे के विपरीत होंगे कोई दिक्कत यहां तक जी हमारे पास कुछ गर्म पानी होगा लेके आना प्लीज ठीक है ना हाँ बोलो बेटा गला छिल गया मेरा बेटा एक ही एक ही डाई है उसके दो अलग अलग व्यूज हैं मैं पीने के लिए मंगवा रहा हूँ पानी गर्म पानी ठीक है ना तो टेंशन ना लो हाँ मैं ये कह रहा हूँ एक ही डाई की दो अलग अलग आ करती बेटा तो एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड कैसे हो जाएगी ठीक है ना आप ही के दो फोटो हैं बेटा ठीक है ना एक में सीता दूसरे में गीता कैसे हो जाओगी वही ना बाकी हाँ बोलो बेटा वो नहीं बता सकते इसमें वो नहीं बता सकते देखो अगर रूल नंबर एक जहां पे अप्लाई हो जाएगा वहां पे तो पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और जहां पे रूल नंबर दो होगा वहां पे सिर्फ आधुरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो किसके बारे में मिलेगी जो दोनों में नॉन कॉमन है उन्हीं के बारे में मिलेगी तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कौन सा रूल लगाने की कोशिश करनी चाहिए रूल नंबर एक जहां तक संभव हो सके रूल नंबर एक लगाने की कोशिश करनी ठीक है थीके? तो अभी हम काफी एग्जाम्पल करेंगे जिनसे दोनों रूल क्लियर हो जाएंगे और छह से सात से आठ क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी में आ चुके हैं सिर्फ इसी इन्हीं दो रूल के बदौलत आप सोल्व कर लोगे ठीक है ना चलो ट्राई करते हैं बेटा पांच बहुत ही बढ़िया चार ओके। दोनों में कितने कितने फेस फेस कॉमन कॉमन है बेटा हैं दो कॉमन फेस है देखो, दो और हो ना दोनों में तो अब आप वो जो क्लोकवाइज लिखते थे ना वो रूल यहां पे नहीं लगेगा वो तभी लगेगा जब एक ही फेस कॉमन हो इधर दो और पांच इधर भी दो और पांच तो यहां पे रूल नंबर टू लगेगा रूल नंबर टू क्या कहता है बेटा जो इधर बच गया फेस इधर कौन सा बचा है तीन बचा है और इस साइड में क्या बचा बेटा चार बचा है तो तीन और चार एक दूसरे के विपरीत होंगे तो आपसे पूछा गया कि तीन के विपरीत क्या होगा तीन के विपरीत तल क्या होगा चार अब कोई बच्चा ऐसा चमत्कार करेगा बोलेगा सर ये तो मुझे पहले भी पता था कि सम सेवन होना चाहिए बेटा किसने कहा कि ये स्टैंडर्ड डाई है चलो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये स्टैंडर्ड डाई होगी हो सकती है सिर्फ ये दो विपरीत होने से स्टैंडर्ड थोड़ा ही ना होगी वो बाकी का भी यही पैटर्न होना चाहिए वैसे भी ध्यान से देखोगे तो ये स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकती क्योंकि दो और पांच तो आपको दिख ही रहे हैं तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं होगी ठीक है ना कोई दिक्कत यहां तक ठीक है बेटा बेटा सिक्स ओके अगर नंबर दो सबसे नीचे है, तो कौन सी संख्या ऊपर होगी इसका मतलब आपको बताना क्या दो के विपरीत क्या होगा यही बताना है बताओ बेटा दो के विपरीत छे आपकी मर्जी कोई भी दो डाई ले लो बेटा क्या पहले दो डाई ले सकते हैं हम ले लो पहले दो डाई में कौन सा रूल लग जाएगा पहला कि दूसरा पहला क्या कॉमन है इनमें कॉमन है और वैसे भी देखो बेटा अगर किसी किनी दो डाई में रूल नंबर वन की जब मैं बात करता हूं तो जो मिसिंग फेस होता है वो किसके विपरीत होता है कॉमन के विपरीत होता है तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है छे तो मिसिंग कौन सा है दो दो ना हाँ तो दो के विपरीत क्या होगा छे होगा क्वेश्चन खत्म रूल नंबर एक ये भी तो कहता है ना अगर दो डाइज में एक फेस कॉमन है तो आप इनको क्लोकवाइज लिखोगे और दो का पता चल जाएगा बाकी जो बच गया मिसिंग फेस है वो कॉमन के विपरीत होगा कॉमन यहाँ पे छे है तो छे के विपरीत दो होगा फिर भी दिल की तसली आत्मा की शांति के लिए हम पूरे को करते हैं बेटा छे से शुरू करोगे तो ये क्या बनेगा छे चार एक तीन, पांच एक और पांच विपरीत चार और तीन विपरीत तो बचा है क्या दो दो बचा है तो दो छे के विपरीत हो जाएगा ये कह रहा है दो अगर सबसे नीचे है तो ऊपर क्या उनकी संख्या होगी छे कोई दिक्कत यहाँ तक ओके कोई ऐसा बच्चा है जिसने इन पहले दो के अलावा कोई इस्तेमाल किया हो तो एक बार कॉन्फिडेंस कौन सी बेटा पहला और तीसरा चलो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है इसमें दो कॉमन है बेटा कौन कौन से चार और एक कॉमन है तो यहाँ पे रूल नंबर वन नहीं लगेगा इसमें देखो बेटा चार और एक कॉमन है उसमें भी चार और एक कॉमन है तो आप क्या कह सकते हो बेटा छे और दो एक दूसरे के विपरीत होंगे ठीक है ना अब आप इनको क्लॉकवाइज नहीं लिख सकते ठीक है ना तो छ के विपरीत दो कोई दिक्कत यहाँ तक चलो छ के विपरीत दो आ रहा है चलो मान लिया आप दूसरी और तीसरी डाई इस्तेमाल करते तो क्या कह सकते हो दूसरी और तीसरी से क्या कह सकते हो आप कुछ भी नहीं कह सकते दूसरी और तीसरी में तो कुछ कॉमन ही नहीं है जब कुछ कॉमन नहीं होता या तीनों कॉमन होते तो आप कुछ नहीं कह सकते आप तभी कह सकते हो जब एक फेस कॉमन हो या दो कॉमन कोई दिक्कत यहां तक आगे बढ़े आंसर एफ ओके सी के सामने कौन सी संख्या होगी कौन सी दो डाइस ली आपने पहली दूसरी पहली दूसरी पहली तीसरी पहली दूसरी में क्या प्रॉब्लम है क्या कर सकते हैं हम पहली और दूसरी इनमें सी कॉमन है तो सी कॉमन है तो क्लॉकवाइज लिखोगे क्या बनेगा बेटा सी ई सी डी ई और इसमें सी बी ए सी बी ए ए तथा ई e विपरीत है डी और बी विपरीत है तो बचा क्या है एफ एफ सी के विपरीत होगा या वैसे भी देखो रूल नंबर वन कहता है हमें बताना है सी के विपरीत सी तो दोनों में कॉमन है अगर कुछ दोनों में कॉमन होगा तो जो मिसिंग होगा वही उसके विपरीत होना चाहिए तो मिसिंग कौन सा है एफ वही आंसर होगा कोई दिक्कत ठीक है बेटा? तो ऐसे क्वेश्चन करने से कोई फायदा है समझ में आया तो इतना काफी है बाकी टेस्ट वगैरह लगाओगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन ठीक है ना अब डायरेक्टली फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हैं तो चलो ये वाला ट्राई करके देखते हैं एफ ओके बी के विपरीत बताना है अपने कौन सी दो डाई आपके पास चॉइस है बेटा कौन सी दो डाई लें कि हमारा रूल नंबर एक लग जाए पहली और मैं ही कह रहा हूं वैसे चलो हमने तो बी के बताना ना बी के विपरीत कौन सा होगा चलो बी के विपरीत बताओगे इन दोनों को देखोगे अगर इन दोनों को देखोगे तो बेटा दोनों में क्या कॉमन है सी और डी कॉमन है सी और डी कॉमन है तो रूल नंबर दो लग जाएगा यहां पे रूल नंबर दो जो नॉन कॉमन है इधर बी और इधर ई ये एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए बी के विपरीत क्या होगा ई होगा ठीक है ना शायद एक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी मुझे नहीं इसी में तो नहीं है क्योंकि उसमें अलग अलग डायग्राम को लेने पे अगर कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना इसका मतलब क्वेश्चन में गलती है रूल में कोई गलती नहीं अगर लास्ट के दो लोगे तो बेटा लास्ट के दो में क्या कॉमन है सी कॉमन है सिर्फ अगर सी कॉमन है तो आप ऐसे करोगे बच्चे सी डी ई सी डी ई और सी ए बी सी ए बी क्या बेटा यही आया क्या आंसर पहले भी यही था ठीक है क्या बेटा F कहां से आ जाएगा बेटा इसमें B के विपरीत पूछा ना B के विपरीत E ही आ रहा है ठीक है ना कोई दिक्कत यहां तक <coughs> देखो बेटा ये पुराने उन दिनों की बात है जब इस टाइप के क्वेश्चन भरमार आ जाते थे 2018 में सोचो इसी के ऊपर इस लॉजिक के ऊपर कितने क्वेश्चन आए तीन तीन क्वेश्चन साढ़े सात नंबर यही एक बिंदु के विपरीत कितने हैं दो के विपरीत कितने हैं और क्रॉस के विपरीत कितने हैं मिनट के अंदर साढ़े सात नंबर आ जाते हैं अगर ये रूल पता है तो देखो ये लाइन ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन है ये सिर्फ घूम रही है लाइन ये मत मानना कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ठीक है ना अब प्रश्न यही होंगे कि एक बिंदु के विपरीत कितने है, दूसरा था तीन के विपरीत कितने होंगे अगला था क्रोस के विपरीत क्या होगा कौन सी दो डाइस लें करेक्ट कौन सी दो डाइस ली बेटा आपने फर्स्ट और फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ में कितने फेस कॉमन है दो फेस कॉमन है तो उनमें तो सेकंड रूल लगेगा चलो कोई ऐसी बता सकते हो जिसमें पहला रूल लग जाए फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड में लगेगा बेटा इसमें ना किनी भी दो को लोगे कोई ना कोई रूल तो लगेगा ही ठीक है ना चलो मैं फर्स्ट और थर्ड लेके चलूं फर्स्ट और सेकंड इसलिए नहीं ले सकते बेटा लाइन और डबल डॉट लाइन और डबल डॉट है यहां पे तो मैं ये दोनों डाइस ले रहा हूं पहली और तीसरी इनमें कॉमन है सिर्फ लाइन तो लाइन से शुरू करोगे लाइन दो डॉट और एक डॉट लाइन फिर दो डॉट फिर एक डॉट यहाँ पे इधर लाइन चार डॉट और तीन डॉट लाइन चार डॉट और तीन डॉट एक डॉट के विपरीत तीन होंगे दो के विपरीत चार होंगे तो लाइन के विपरीत क्या होगा क्रॉस लाइन के विपरीत क्रॉस साइन होगा ठीक है ना जो वो है बिंदु है क्रॉस है और रेखा है ठीक है बेटा कोई दिक्कत तीन क्वेश्चन हो गए आगे बढ़े एक के विपरीत तीन दो के विपरीत चार क्रॉस के विपरीत लाइन ये 2012 में आया करेक्ट जी बेटा के विपरीत बताना है आपने करेक्ट है कौन सी दो डायग्राम लिए आपने फर्स्ट और सेकेंड चलो फर्स्ट और सेकेंड में के कॉमन है बेटा तो के से शुरू करके ये लिखोगे के बी ए और के एम एच बच्चा क्या है पी पी के के विपरीत जाएगा वैसे भी इतना पूरा लिखने की अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी दो चार क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लिए तो ए के विपरीत बताना है तो यहां पे देखो के से शुरू करते हो तो ए ए विपरीत में आ, लास्ट में आता है तो के से शुरू करोगे तो लास्ट में एच आएगा तो ये और एच बनाने की भी जरूरत नहीं है कोई दिक्कत एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए चेक करके देखते कि कहीं रूल में गड़बड़ तो नहीं है कोई और दो डाई लेके देखो और यही आंसर आने चाहिए पहली और तीसरी पहली और तीसरी में क्या कॉमन है कॉमन है। तो उसमें क्या लिखोगे बी ए के और इसमें होगा बी एच पी देखो के और पी विपरीत है हाँ विपरीत है हाँ। तो बचा क्या है एम एम और बी विपरीत होंगे वही, वही आएंगे

हाँ जी बच्चों <coughs> बहुत ही बढ़िया गुड हाँ जी गुडिया बोलो बेटा ए करेक्ट बच्चे ए ऑप्शन है दो तीन बी ऑप्शन है छे एक ऑप्शन है एक चार डी ऑप्शन है तीन एक स्टार्ट करें बेटा मान लिया आपने पहली और दूसरी डाई ली तो दोनों में एक कॉमन है तो क्या लिखोगे इसे एक चार छ यहां पे लिखोगे एक तीन दो एक तीन और तो बेटा मिसिंग क्या है इसमें पांच तो तीसरा पेयर होगा पांच और एक का ठीक है ना अब पांच यहां पे दिख रहा है तो इसका मतलब हमें क्या नहीं दिखना चाहिए एक नहीं दिखना चाहिए ए और बी में से कोई भी एक नहीं होगा गारंटी है इसकी तो एक ऑप्शन में होना चाहिए कि नहीं नहीं तो कौन जिस ऑप्शन में एक होगा वो ऑप्शन नहीं हो सकता इसमें से तीन ऑप्शंस में एक है तो वो चला गया अगर ये पांच है तो इन दोनों में से कोई भी एक नहीं हो सकता तो दूसरा ऑप्शन है छ और एक ये गया। तीसरा ऑप्शन है एक और चार ये चला गया चौथा ऑप्शन है तीन और एक। ये भी चला गया। That's it. एक ही ऑप्शन बचा है ए ऑप्शन दो और तीन दैट्स इट कोई दिक्कत यहां तक ठीक है बेटा क्यों स्टैंडर्ड में दिमाग का पारेगा वहां पे सिर्फ बोला जाए अगर आपको या तो एग्जाम में बोला जाए कि स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है ना तो मैं पूछ रहा है कि ये स्टैंडर्ड है ना क्वेश्चन पूछ रहा ना क्वेश्चन के अंदर दे रखा ठीक है ना अब आप सिर्फ इनको देख के बता सकते हो कि स्टैंडर्ड है कि नहीं है उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा अब यहाँ पे अब ये प्रश्न उठता है कि क्या सर ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है जब आपको पता चला कि छे और छ विपरीत हैं तो क्या ये स्टैंडर्ड होगी नहीं होगी अपने दिल से पूछो बेटा ठीक है ना दिल तो पागल है है ना ठीक है ना दिल भी पागल होता है ठीक है ना हाँ वो है नहीं ठीक है ना तो हम क्या करें आगे बढ़े मजाक की बातें बेटा ठीक है ना तीन के विपरीत कौन सी डाइस देखी आपने फर्स्ट और थर्ड ओके फर्स्ट और थर्ड को जब आपने देखा तो इनमें दो कॉमन है सिर्फ तो दो से शुरू करके क्या लिखा आपने दो पांच चार और इसमें दो छ तीन दो छे और तीन आपको बताना है तीन के विपरीत क्या होगा चार क्वेश्चन खत्म दूसरा चौथा दूसरा चौथा लोगे तो बेटा इसमें कौन सा रूल लगेगा दूस... अच्छा दूसरा चौथा कह रहे हो मैं तीसरा चौथा समझ रहा था तो उसमें ये रूल नहीं लगेगा ना बेटा दूसरे और चौथे में दूसरे और चौथे में देखो एक और तीन कॉमन है दो फेस कॉमन हो गए ना दो फेस कॉमन हो गए तो दूसरे और चौथे से आप सिर्फ ये बता सकते हो कि छे और पांच एक दूसरे के विपरीत होंगे ठीक है ना कोई दिक्कत है अब ये नहीं कि मैं इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करूंगा सर क्योंकि दूसरा और चौथा लिया मैंने उससे तो आ नहीं रहा ठीक है ना इसीलिए तो इतने सारे दिए कि भाई आपकी मर्जी है कोई और, और भी ले सकते हो आप अलग आ रहा है कौन से से दूसरे और दूसरे और तीसरे से ठीक तो है बेटा इसमें देखो दो कॉमन है ना छे और तीन कॉमन है इसमें छ और तीन कॉमन है तो रूल नंबर टू लगेगा कौन सा लगेगा एक के विपरीत क्या होना चाहिए दो वही तो है कोई दिक्कत यहां तक ठीक है बोलो बेटा तीसरा और चौथा लो जान ले लो मेरी ठीक है ना <laughs> तीसरे और चौथे में भी क्या कॉमन है इसमें तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है सिर्फ तीन कॉमन है और क्या कॉमन है बेटा तीसरा चौथा कह रहा है तीसरे चौथे में सिर्फ तीन कॉमन है तो क्या आएगा तीन दो और तीन एक पांच तो बच्चा क्या है चार ठीक है तो देखो आपका काम है बेटा किन्हीं भी दो को लो और उनसे सोल्व करो बबल फिल करो अगले पे चले जाओ ये नहीं कि मजे लेने हैं अब इनसे करता हूं अब इनसे करता हूं ठीक है ना आंसर तो यही आना है बोले बच्चा ये सर बाकी हो नहीं रहते तो इसी में लगे रहे इसी को पांच बार सोल्व कर दिया तो मैं मान के चलो ये भी ही लोगे आप क्या बेटा क्यूबोइड कैसे ड्रॉ करते ये जो रूम है ना ये क्यूबोइड है बेटा कैसे समझोगे जिसका बेस एक आयत होगी हाँ बेटा मुझे लगता है पांचवी वर्कशॉप में मुझे पूछना पड़ेगा मैं कौन हूँ ठीक है ना <laughs> बार बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हो और मैं ऐसे मजाक कर लेता हूँ बेटा बुरा तो नहीं लगता ना लगना चाहिए ना ऐसे थोड़ा बहुत ठीक है क्या बेटा बेटा ये क्वेश्चन जो है ना ड्राइंग का नहीं है कि मेरी ड्राइंग बढ़िया नहीं बन रही सर एम एफ जरूरत नहीं है बस अपना बबल फिल करो और निकलो यही काम है बेटा जब इमेजिनेशन कर लोगे तो क्या ड्राइंग करोगे ठीक है ना ड्राइंग तो इसलिए बनाते हैं ना ताकि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो तभी बना रहे हो कल की वर्कशॉप में भी जरूर आना बेटा मेरी रिक्वेस्ट है अच्छा परसों है देखो मैं भूल गया ना जी बेटा अगर मैं जिंदा रहा तो फिर बाद में मिलेंगे क्या आंसर ए ऑप्शन अच्छा मैं लाल लिखूं कि रेड लिखूं बेटा रेड लिख चलो रेड किसके विपरीत है रेड काले के अच्छा तो इधर रेड इधर काला लिखूं तो एक ही रहने देते हैं ठीक है ना तो बेटा लाल जो है वो काले के विपरीत है ये आ गया एक पेयर तो इनके विपरीत और कोई नहीं हो सकता ये एक कपल आ गया बाकी चार बचे हैं आपके पास चार बचे बेटा कौन सा नीला नीला छह फलक है प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न नीला सफेद के निकट है नीला है और बाकी क्या क्या बचे अब नीले के विपरीत देखो सफेद नहीं हो सकता और नीला कहीं और दिख रहा है बेटा भूरा नीले के निकट है तो इसके विपरीत भूरा भी नहीं हो सकता नीला सफेद के समीप है तो नीले के विपरीत सफेद नहीं हो सकता नीला और भूरा एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते तो नीले के विपरीत क्या होगा जो बच गया वही होगा पीला तो नीला और पीला एक दूसरे के विपरीत होंगे बाकी जो दो बच गए दो कप दो यहां पे आ गए ये भी यहाँ पे आगे नीला और पीला आ गए आपके पास तो जो बाकी बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे तो कौन कौन से बचे सफेद और भूरा ठीक है ना बेटा सफेद और भूरा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे तीन होंगे हमें बताना है पीले के विपरीत क्या है तो पीले के विपरीत क्या है नीला क्वेश्चन खत्म ठीक है किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो पूछो बेटा नहीं बेटा वो वी आर लाइक ए फैमिली तो इसीलिए वो थोड़ा सा करते हैं बच्चे हाँ बोलो बेटा किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछो एक बार बेटा वो बता नहीं सकते हम कि किसके समीप में जैसे ये है बेटा ये टेबल है यहाँ पे नीला है नीले के समीप मान लिया पीला है तो पीला किधर करूंगा मैं पेंट बेटा जब थ्री डी में नहीं समझ में आ रहा देखो यहाँ पे नीला है नीले के समीप अगर पीला है नहीं नीले के समीप मान लिया लाल है तो यहाँ पे लाल इधर भी हो सकता है 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 कोई भी फलक आप लोगे उसके विपरीत एक फलक होगा और बाकी चार फलक उसके समीप होंगे तो अगर मैं कह रहा हूं कि लाल और नीला एक दूसरे के समीप हैं आपने यहां पे लाल रख दिया तो नीला कहीं पे भी आ सकता है तो उसमें श्योरिटी नहीं आएगी आपको ठीक है तो क्या डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं बनाने से कुछ होगा नहीं आगे बढ़े बेटा आएगा डायग्राम से लेकिन देखो आप डायग्राम बनाओगे मैं उसमें गलती निकालूंगा अभी ठीक है ना चलो मैं डायग्राम बनाता हूं माय oh गॉड चलो देखते हैं बेटा लड़ो उससे नहीं सही कह रहे हो आप अब वो अलग बोले जा रही है कि सर इस डायग्राम को ओपन करो ठीक है ना ऐसे ही ना बेटा ठीक है ना तो अब आ गए फोल्डिंग और अनफोल्डिंग ऑफ़ डाइस में चलो यहां पे देखो नीला फलक सफेद के निकट है अगर यहां पे नीला है तो इससे क्या सफेद कहां पे जाएगा यहां पे यहाँ पे भी आ सकता है वहां पे भी जा सकता है वहां पे भी जा सकता है कोई श्योरिटी है क्या बस एक चीज श्योरिटी है कि यहां पे, तो पे सफेद नहीं आ सकता तो आप सिर्फ ये लिखोगे इसके विपरीत ढूंढना है कि यहां पे सफेद नहीं आ सकता ठीक है अब लाल काले के विपरीत है चलो मान लिया आपने सफेद यहां पे प्रिंट कर दिया बेटा सफेद मान लिया आपने यहां पे लिख दिया ठीक है ना अब ठीक है लाल चेहरा काले के विपरीत है लाल चेहरा काले के विपरीत है अब लाल और काला कहां पे करोगे आप सिर्फ यही बचे लाल और काला लाल यहां पे, तो काला वहां पे जाएगा अब पहली बार ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें विपरीत दे रखे नहीं तो ज्यादातर में क्या होता है इसके विपरीत नहीं है विपरीत नहीं है तो उसमें देखो अगर ऐसा होता लाल और काला एक दूसरे के समीप अ -अ, विपरीत नहीं दिया होता तो देखो बेटा लाल इधर काला उधर लाल इधर काला इधर लाल इधर काला इधर लाल, लाल यहां पे, काला उधर कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती इसीलिए मैं कहता हूं डायग्राम मत बनाओ यहां पे तो डायरेक्ट दे दिया अब डायरेक्ट दे दिया तो वैसे ही आपकी मेहनत कम हो गई देखो लाल चेहरा काले के विपरीत है लाल और काला विपरीत ये एक पेड़ आ गया अब लाल और काला बाकी सभी के समीप होंगे किसी के विपरीत नहीं हो सकते नीला सफेद के निकट है नीला जो है वो सफेद के निकट है तो यहाँ पे सफेद नहीं हो सकता इसके विपरीत और नीला जो है वो भूरे के निकट है तो यहाँ पे भूरा भी नहीं आ सकता सफेद नहीं आ सकता भूरा नहीं आ सकता तो बाकी क्या बचा पीला बचा अब ये भी पता चल गया तो जो बाकी जो बचे हैं वो एक वो एक दूसरे के विपरीत तो होंगे कौन कौन से बचे हैं सफेद और सफेद और भूरा तो डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या नहीं क्वेश्चन खत्म ठीक है ये तो पहले जैसा है कि कौन सा किसके विपरीत आएगा कर लेंगे हम ये भी कर लेंगे ये वाला करके देखो बेटा ये हिंदी हिंदी वाला रहने दो जी बच्चे ये वाला आई, ओके? Okay. क्या बेटा आसन का मतलब समीप वाला ठीक है. है ना एडजेसेंट बोलो उसे इंग्लिश में विपरीत होंगे या आसन होंगे जी ओके okay, विपरीत आंसर आई आंसर गुड करेक्ट इसमें डायग्राम बनाओगे नहीं जरूरत ना चलो दो तरीके से सॉल्व करके देखते हैं एक तो जो हमने रूल पढ़े हैं वो रूल लगा के देख लेंगे पहले नॉर्मल तरीके से देखेंगे अब यहां पे देखो बेटा डायग्राम बनाना इसलिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये नहीं दे रखा कि कौन किसके विपरीत है सभी आसन दे रखे ठीक है ना तो वाई ओ B ये तीनों कैसे हैं समीप हैं तो इससे ये तो क्लियर हो जाएगा कि y के विपरीत o नहीं हो सकता b नहीं हो सकता o के विपरीत y और b नहीं हो सकते और बी के विपरीत वाई और ओ नहीं हो सकता पहले इंफॉर्मेशन ये मिली आपको ठीक है अब देखो बेटा जहां पे इनमें से कोई और दिख जाए ना वो वाली इंफॉर्मेशन भी ले लो चलो सेकंड वाले देखो वाई के विपरीत आई और जी भी नहीं हो सकते बिकॉज आई जी और वाई आसन है आई जी और वाई ये आसन फलक है ठीक है ना आसन का मतलब जैसे ये कोना है ना बेटा इस कोने में तीन आसन है ये तीनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं ठीक है ना तो आई अब हम बात कर रहे हैं वाई। वाई के विपरीत और जी नहीं हो सकता वाई के विपरीत आई नहीं हो सकता और जी नहीं हो सकता तो देखो बेटा वाई इन चारों के विपरीत नहीं हो सकता तो जो बच गया वही आएगा वाई के विपरीत कौन सा बचा बी B कैसे वी ना ओ बी आई जी ये चले गए तो एक हमारे पास क्या बचा वी तो एक पेयर आपके पास आ गया है वाई और वी का पेयर एक पेयर आ गया अब यहां पे लिखा हुआ है आई जी वाई आई जी और आई अब अगर वी यहां पे आ चुका तो वी यहां पे नहीं होगा वी यहां पे भी नहीं होगा किसी और के विपरीत नहीं हो सकता वी किसी के विपरीत नहीं हो सकता अब वाई इनके विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि वी और वाई तो आ चुके हैं ठीक है ना अब आई और जी एक दूसरे के आसन हैं तो आई और जी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते तो यहां पे आई नहीं हो सकता और यहां पे जी नहीं हो सकता अब कोई इंफॉर्मेशन देखो जिसमें इनमें से कोई दिख जाए ये देखो जी जी के विपरीत बी और वाई नहीं हो सकता जी के विपरीत वाई तो पहले से लिखा हुआ बी नहीं हो सकता तो बचा क्या है वी आई बी वाई, ओ बचा है तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनी कि जी और ओ एक दूसरे के विपरीत होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे अगर ये विपरीत हो गए तो जो कपल बच गया है कौन सा बचा है ओ और जी हो गया तो अब हमारे पास बी और आई बचा है तो अब उनको तो विपरीत होना ही पड़ेगा बी और आई कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा इट आपसे पूछा है कि ओ के okay विपरीत क्या होगा तो ओ के okay विपरीत जी होगा कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने गड़बड़ है एक 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 मिनट देखते देखते बेटा नहीं वो ऑर्डर वही होगा एक बार देखते हैं। एक बार हैं ये दोबारा ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई हो शायद मैं एक बार चेक कर लेता हूं देखो बेटा जहां पे भी दो आप कह रहे हो फर्स्ट रूल फर्स्ट रूल नहीं लगा सकते यहाँ पे क्योंकि वो उसी क्रम में होंगे ये जरूरी नहीं है ना अगर वाई ओ बी आसन बोला है तो ये नहीं ना कि वाई ओ बी ऐसे होगा वाई ओ बी ऐसे भी हो सकता है उल्टे क्रम में भी हो सकते हैं सीधे क्रम में भी हो सकते हैं उनका क्रम यही होगा ये नहीं हो ये नहीं पता ना ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं लेकिन वो किस ऑर्डर में है ओ वाई और बी के बीच में होगा कि ये बी ओ वाई होगा या वाई ओ बी होगा क्या होगा वो नहीं बता सकते आप लेकिन पहले में और तीसरे में पहले और पहले और चौथे में देखो बेटा पहले और चौथे में क्या कॉमन है ओ और बी कॉमन है ओ और बी कॉमन है अगर दो कॉमन होते नॉन कॉमन अपोजिट हो जाएंगे तो कौन कौन से बचे हैं यहां वाई और वहां पे भी वाई और वी हो गए कॉमन एक दूसरे के विपरीत हो गए कोई दिक्कत चलो और कुछ कह सकते हो दूसरे और तीसरे में जी और वाई कॉमन है जी और वाई कॉमन है तो बचे क्या बी और आई वो एक दूसरे के विपरीत होंगे फिर जो बच गए हैं कौन से बचे जी और ओ तो यही बनेगा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन ऐसे रूल हमेशा लगे उसकी गारंटी नहीं है ऐसे प्रश्नों में तो आपको जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट करते हो ना बेटा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट एक रीजनिंग का टॉपिक है उसमें ऐसा बोला जाता है कि छह प्रोफेसर है e, ना और वो अलग अलग शहरों से दिल्ली पटना ऐसे कुछ बेंगलोर कलकत्ता हैदराबाद ऐसे देगा और उनकी पत्नियों के प्रोफेशन दे रखे होंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो तो उनमें भी आप ज्यादातर इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है कि जो इंजीनियर है वो कलकत्ता से बिलोंग नहीं करता ऐसा दिया होता तो उसमें ज्यादातर नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है तो उसी तरीके से इसको अप्रोच करना है कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है ओके आगे बढ़े अच्छा अब आप कह रहे थे कि सर डायग्राम क्यों नहीं बना सकते कैसे बनाओगे डायग्राम बेटा वो बगल कौन सी होगी वही तो नहीं पता चल रहा ना बेटा आपके बगल में कौन बैठा है बेटा उधर एक लड़का भी बैठा है वो बगल में नहीं है बैग बैग है मतलब ठीक है ना तो बगल में मतलब इधर भी, भी हो सकता है इधर भी हो सकता है कोई दिक्कत ठीक है ना चल आगे बढ़े अब आ जाते बेटा देवगन का एक डायलॉग था अत्ता माजी ऐसा कुछ था ठीक है है ना ना <laughs> देखो बेटा जो डाइस होती है ना, वो भी एक क्यूबिकल शेप में फिगर होती है ठीक है ना उसमें सिर्फ टॉप पे जैसे कि डोट्स वगैरह बने होते हैं इसी तरीके से घन या घनाब आकार में भी कोई लोग है उसमें भी छह फलक होते हैं बेटा हाँ जी बच्चे घन तो वैसे कोई भी हो सकता है एक डब्बा है जैसे ठीक है ना जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है उसे हम घन बोलते हैं अर्ण ठीक अर्ण बस उसी तो है, जो नहीं बेटा पढ़ाई कर ली आपने इत, वो घन नहीं होता ठीक है ना घन तो कोई भी होता है उसे बोलते रूबिक क्यूब बोलते हैं उसे ठीक है ना उसे रूबिक क्यूब बोलते हैं ठीक है ना और रूबिक क्यूब की भी अलग अलग शेप हो सकती हैं ठीक है ना और किसी को तो नहीं लगता था कि उसके अलावा और कोई घन होता ही नहीं अगर इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होगी तो इसे क्या बोलोगे आप घन बोलोगे या क्यूब बोलोगे बेटा ठीक है ना अब आप इसे ऐसे घुमा नहीं सकते क्योंकि ये एक ही घन है ठीक है ना घन का आयतन क्या होता है वेरी गुड और घनाभ का क्यूबोर्ड का क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तो ऐसा होता है ठीक है ना तो आपने इसमें टुकड़ों की संख्या बतानी है कि कितने टुकड़े बनेंगे ये घन है इस घन में मैंने ऐसे कट लगाए हैं बच्चे इसमें कितने टुकड़े हैं बेटा वो हमें दिख रहा होगा यहाँ पे <coughs> एक बीपी की दवाई भी ये कितने भाई कितने का है बेटा कितने बनेंगे इसमें आठ तो ऐसे देखो बेटा लंबाई के अलोंग कितने हैं चार हैं इस चौड़ाई के अलोंग कितने टुकड़े हैं एक ही है ना बेटा इसके तो ही है और इस ऊंचाई के हैं दो लेयर हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कितने बने आठ ऐसे ऐसे देख लो बेटा या देखो ऊपर वाली लेयर पे कितने पीस हैं चार और ऐसी कितने लेयर है ऐसी दो परत है ऊपर वाली लेयर में चार नीचे वाली लेयर में चार ठीक है ना इधर से देखोगे आप राइट हैंड साइड से यहां पे कितने दिख रहे हैं आपको दो ऐसी दो दो के कितने लेयर हैं? चार लेयर हैं। दो दो की चार लेयर है सामने से कितने दिख रहे हैं यहां से आठ और ऐसी आठ की और लेयर तो नहीं है ना एक ही आठ की एक लेयर है समझ पा रहे हो कोई दिक्कत इसमें कितने पीस बनेंगे अड़तालीस नहीं बच्चे, देखो यहां पे तीन बने हैं ना इस साइड में यहां पे कितने हैं चार इस साइड में कितने बने हैं एक दो तीन और ऊंचाई के अलोंग कितनी लेयर हैं चार चार थी बारह चौक अड़तालीस या चार चौक सोलह थी अड़तालीस वैसे सामने से देखोगे तो कितने दिख रहे हैं आप तो सोलह दिख रहे हैं बेटा सामने वाली लेयर में कितने दिख रहे हैं सोलह ऐसी सोलह सोलह की कितनी लेयर है तीन ऊपर से अगर आप देखोगे तो कितने दिखेंगे बेटा बारह दिखेंगे ऊपर से देखो चार बाई तीन का है ना ये तो चार बाई तीन का कितना है बारह बारह की कितनी परत है चार परत है इधर से देखोगे तो कितने दिखेंगे बारह दिखेंगे ऐसे ऊंचाई के अलाउंग चार चार तीय बारह ऐसे बारह दिख रहे? रहे हैं बारह की कितनी लेयर है बारह की चार लेयर है बारह चौक अड़तालीस कोई दिक्कत तो लंबाई गुना गुना ऊंचाई कर लेंगे कोई दिक्कत यहां तक ठीक है अब कितने टुकड़े बनेंगे इसमें आंसर बनेगा अस्सी देखो यहां पे कितने हैं लंबाई के लोंग चार चौड़ाई में कितने हैं पांच एक दो तीन चार पांच पांच और ऊंचाई के लोंग कितने हैं एक दो तीन चार ठीक है बच्चे अस्सी बनेगा कोई दिक्कत यहां तक ब्रेड बेटा ऑर्डर ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा क्या पांच गुना चार लिखो या चार गुना पांच लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ देखो इनको ऐसे लिखो पांच चार चार तो भी प्रोडक्ट तो वही आना है देखो इसके अलोंग कितना है बेटा चार इसके अलोंग कितने हैं पांच जैसे एक दो तीन चार पांच अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको दो बार गिन रहे हैं एक दो तीन चार ऐसे तो नहीं कर रहे ना अच्छा ऊपर वाला आप अच्छा आपने इसको भी गिन लिया एक दो तीन चार ऐसे एक दो नहीं। तो कितने बनेंगे एक दो तीन चार चार ही तो बनेंगे क्लियर है जितनी ऊंचाई यहां होगी उतनी ऊंचाई यहां सामने से होगी जितनी चौड़ाई यहां से होगी उतनी यहां से होगी कोई दिक्कत यहां तक चल लिखो अभी बीस सेंटीमीटर भुजा के बीस सेंटीमीटर भुजा के घन को सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है पांच सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है मतलब जो छोटे घन बनेंगे हरेक की भुजा क्या होगी पांच होगी छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें चौंसठ बिल्कुल सही देखो बेटा जो बीस सेंटीमीटर है उसमें से पांच पांच के कितने टुकड़े बनेंगे चार लंबाई में चार चौड़ाई में चार ऊंचाई में चार तो चौंसठ बनेंगे ना चलो देखो जरूरी नहीं कि इसमें भी हम डायग्राम बनाएं आपको पता है बेटा बड़े पीस का कुल आयतन छोटे पीसों के आयतन के बराबर होना चाहिए अगर किसी घना आकृति को पिंगला कर छोटे टुकड़ों में काटा जाए या जैसे मर्जी किया जाए कुल आयतन बराबर होगा तो आयतन किसके बराबर होता है घन का ए क्यूब तो जो बड़ा पीस है उसका आयतन कितना है बीस का क्यूब बीस का क्यूब बराबर है एक छोटे टुकड़े का आयतन कितना है पांच का क्यूब और इसको अगर मैं टुकड़ों की संख्या से गुना कर दूंगा तो एक कुल आयतन आएगा सभी टुकड़ों का कुल आयतन बड़े टुकड़े के आयतन के बराबर होना चाहिए तो यहां पे टुकड़ों की संख्या क्या आएगी बीस का क्यूब बटे पांच का क्यूब पूरे का क्यूब कर दू मैं चार का क्यूब बनेगा बेटा मैं ये कह रहा हूं कि बड़े पीस का आयतन बराबर है एक छोटे पीस का आयतन गुना टुकड़ों की संख्या तो यहां पे एन क्या है बेटा नंबर ऑफ पीसेस कितने पीस बनेंगे कितने टुकड़े बनेंगे देखो बेटा इसको ऐसे कहते हैं कि एक बाल्टी है उस बाल्टी में मान लिया बीस लीटर पानी आता है तो उसमें आधा आधा लीटर की कितनी बोतल भर सकते हो आप बेटा आप कौन सा चैनल पकड़ किसी ने मेरी सुपारी तो नहीं दी आपको चार लीटर कहां से आ जाएगा बेटा वीडियो एडिटर प्लीज इसे कट कर देना ठीक है ना बेटा दस लीटर पानी है बाल्टी में आधा आधा लीटर की कितनी बोतल भर सकते हैं हम उसमें से बहुत ही बढ़िया तो ये चार अपनी बाल्टी की याद आ गई अच्छा अच्छा हाँ तो आप कौन सी इसमत हो बच्चे पानी वानी पी लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना हाँ, हाँ। देखा आपको समझ रहा है ये बच्चा ठीक है ना आप लोग सुन पा रहे हो मेरे को सुन पा रहे हैं आपको कैसे पता ये नहीं सुन पा रही अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है ना प्लीज जी 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 आगे बढ़े एक तो ये तरीका है बेटा दूसरा तरीका कौन सा है एक ऐसे आकृति बनाओ इसकी साइड लेंथ कितनी दी थी बच्चे हमने 20 दी थी अब ये 20 है बेटा इसमें से पांच पांच के कितने टुकड़े बनाओगे आप चार टुकड़े बनाओगे चार हो गए ये ऐसे भी 20 है तो इसमें भी पांच पांच के चार टुकड़े बनेंगे कोई दिक्कत अब इसमें कितने टुकड़ों टुकड़ों की संख्या कितनी बनेगी लंबाई के अलोंग चार चौड़ाई कितनी है चार और ऊंचाई कितनी बेटा चार तो कुल कितने टुकड़े बने चौसठ कोई दिक्कत यहां तक ठीक है बच्चों आगे बढ़े बढ़े आगे अब थोड़ा सा विजुअलाइज करने का टाइम आ गया बेटा ठीक है ना विजुअलाइज करते हैं थोड़ा सा जैसे इस रूम की ही बात करते हैं इस कमरे की बात करते हैं इस कमरे में कितने कॉर्नर हैं बेटा कितने होंगे आठ होंगे देखो चार कॉर्नर पे होंगे ऊपर होंगे चार चार कॉर्नर ऊपर होंगे और चार कॉर्नर नीचे अब ये नहीं कि सर पिल्लर के यहाँ पे मैं मतलब स्टैंडर्ड मान के चलाओ पूरा सारे मत गिनना ठीक है ना एक घन होगा घन में कितने कॉर्नर होंगे आठ होंगे घनाब में कितने होंगे आठ होंगे अगर उस घन के मैं दो टुकड़े कर दूं एक छोटा टुकड़ा उठा लूं उसमें से, संख्या कितनी रहेगी हमेशा आठ रहेगी कोई दिक्कत यहां तक और कोने जो होते हैं वो कोने कितने फलकों से मिलके बने होते हैं तीन जो भी कोना बनेगा उस कोने में तीन फलक मिल रहे होंगे जैसे ये वाला कॉर्नर देखो बेटा उस कोने पे क्या होगा छत मिल रही है और दो दीवारें मिल रही हैं। नीचे वाले कोर्नर पे फर्श मिल रहा है दो दीवारें मिल रही है। कोई भी कॉर्नर आप देख लो ठीक है अब बात करते हैं बेटा एज क्या बेटा हाँ जी एज कितनी होगी एज एज को क्या बोलोगे बेटा आप हिंदी में सिरे अच्छा कितने सिरे होंगे बेटा एज हाँ जी बच्चे देखो इसपे कोने तो आठ हैं चार कोने ऊपर दिख रहे हैं और चार नीचे होंगे ये एक भुजा आपको दिख नहीं रही होगी जो इधर इस साइड में जाएगी ठीक है ना उसको मैं थोड़ा सा बना बेटा एक कोना वहां पे भी बनेगा ठीक है ना तो कोने कितने बनेंगे इसमें चार कोने ऊपर है और चार कोने नीचे हैं आठ कोने बनेंगे ठीक है ना और कोनों पे जो भी पीसीज हैं वो उसके तीन फेस दिख रहे होंगे जैसे ये कोने पे इसके हमें तीन फेस दिख रहे होंगे ये दिख रहे होंगे ये वाला जो कोना है इसमें भी तीन फेस होंगे एज मतलब ये जो भुजाएं हैं इनकी बात कर रहे हैं कितनी होंगी इसमें ये बारह होंगी चार देखो ऊपर है एक दो तीन चार चार नीचे हैं और चार ऐसे वर्टिकल भी होंगे ठीक है ना कोई दिक्कत बच्चे जैसे इस कमरे में बात करें तो बेटा जहां पे ये छत है मान लिया ये छत जहां चार दीवारों को टच कर रही है वो चार भुजाएं ऐसे बनेंगी चार फर्श के साथ बनेंगी और चार जब वहां पे ये दीवारें आपस में मिल रही हैं वो ऐसी वर्टिकल बनेंगी कितनी बनेंगी 12 बनेंगी कोई दिक्कत फलक कितने बनेंगे इसमें फलक कितने बनेंगे 6 देखो टॉप पे है बॉटम पे है ठीक है ना और चार दीवारें जैसे इस कमरे की भी बात करें तो चार दीवारें छत और फर्श कोई दिक्कत तो यहां पे लिख लो बेटा ये चीजें लिखो घनाब में भी ऐसा ही होगा तो लिखो बेटा किसी भी घन या घनाब में किसी भी घन या घनाब में पहला पॉइंट कोनों की संख्या कोनों की संख्या कितनी होगी आठ और यहां पे लिख लेना कोनों पर स्थित कोने कोनों पर तीन फलक मिलते हैं कोनों पे कोनों पे तीन फलक मिलते हैं ठीक है ना क्योंकि आगे हम पेंट की बात करेंगे जब आप इसको पेंट करोगे और पेंट करके कट करोगे ना ऐसे कुछ छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे अगर ये छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे तो बेटा जो भी पीस कोने पे होगा, उसमें कितने फेस पे पेंट हो चुका होगा तीन फेस पे पेंट हो चुका होगा क्योंकि कोने तीन फेस से मिलके बने हैं तो जो भी कोनों पे होंगे उनके तीन फेस विजिबल होंगे तीन फेस विजिबल होंगे तो तीन फेस पे पेंट हो चुका होगा ठीक है ना अब दूसरा लिखे एजिज की संख्या एजिज एजिज साइड में लिख लो भुजाएं भुजाओं या एजिज की भुजाएं या सिरे क्या लिखोगे सर? शिराएं शिराएं लिखते हैं किनारे लिख लो बेटा भुजाएं लिख लो ठीक है ना एजिज लिख लो ब्रैकेट में एजिज की संख्या कितनी होगी बारह और एजिज के साथ क्या लिखोगे एजिज किससे मिलके बने होते हैं एजिज एजिज पे कितने सिर... कितने फेस मिलते हैं दो फेस मिलते हैं edges. दो फलकों के मिलने से सिराए बुजाए जो भी आप लिखते हो ठीक है ना तो जो पीस मान लिया इसकी एज पे होंगे उन एज वालों पे कितने फेस पे पेंट होना चाहिए दो पे पेंट होना चाहिए कोने वालों को हटा दो तो इस एज पे देखो इस एज पे इधर भी पेंट होगा इधर भी पेंट होगा इधर भी पेंट होगा इधर भी पेंट होगा ठीक है ना कोई भी शिराओं वाला या बुझाव वाला लोगे तो बेटा इसमें दो पे पेंट होगा क्योंकि ये दो से मिल दो के मिलने से बनी है ठीक है ना फिर अगला लिखे फलकों की संख्या फलक कितने बनेंगे छे बनेंगे ये चाहे क्यूब हो क्यूबोइड हो घन या घनाभ कुछ भी होगा तो इसमें फलकों की संख्या फलकों की संख्या होगी कोई दिक्कत यहां तक ठीक है अब दो मिनट के लिए आपने कुछ लिखना नहीं है जनरलाइज करेंगे थोड़ा विजुअलाइज करना बेटा ये एक बड़ा सा पीस था आपने इसके ऊपर लाल कलर पेंट कर दिया दर फेस ठीक है फलक को फेस बोलेंगे बेटा फेस ठीक है हाँ जी बच्चे ये एक क्यूब है इस क्यूब को आपने घन को आपने पेंट कर दिया सभी छह सभी छह फलकों पे इसको पेंट कर दिया और फिर आपने इसके 64 टुकड़े किए दो तरीके से दिया जाएगा या तो ऐसा दिया जाएगा कि इसके 64 एक जैसे टुकड़े करने हैं या ऐसे दिया जाएगा कि इसको एक चौथाई में काट के छोटे छोटे पीसिस बना दिए जाते हैं इसके एक चौथाई इसकी भुजा के एक चौथाई एक चौथाई का मतलब क्या है हर भुजा में चार चार बनेंगे तो टोटल कितने बनेंगे चौसठ बनेंगे फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ये जो छोटे टुकड़े बने हैं इनके तीन फेस पे कितने पीसिस के पेंट होगा तीन फेस कितनों पे होगा बेटा जिनके तीन फलकों पे पेंट होगा वो कहा पे होने चाहिए तीन वाले Corner पे होने चाहिए तो ये कॉर्नर वाले कितने होंगे आठ चाहे मैं इसके चौसठ टुकड़े करूं या 125 करूं या 216 करूं तो कोने तो उतने ही रहेंगे कोनों वाले कितने बनेंगे आठ बनेंगे अब बात करेंगे इसकी दो फेसिस के ऊपर पेंट होना चाहिए दो सिरों पे दो फलकों पे पेंट होना चाहिए वो दो फलक वाले होने कहाज पे, पे होने चाहिए एक एज पे निकाल के उसको बारह से गुना कर दें किसी भी एक एज पे निकाल लो और फिर उसको बारह से गुना कर दो ये वाली एज देखिए बेटा इस एज पे कितने हैं चार हैं इस चार में से दो तो कॉर्नर में जा, चले जाएंगे बाकी कितने बचे दो बचे एक एज पे अगर इस एज पे चार थे तो चार में से दो हटा दिए कितने बचे दो और उसको बारह से गुना कर दोगे ठीक है ना अब संख्या पे न, संख्या पे फोकस मत करो वैसे सोचो जनरलाइज करो अगर इस पे पांच होते तो कितने बचते तीन दो कॉर्नर वाले हट जाएंगे और उसको बारह से गुना कर दोगे अगर इस पे दस होते तो कितने बचते आठ और उसको किससे गुना कर देते बारह से गुना कर देते अगर इस पे एन होते तो कितने बचते एन माइनस टू ना अगर इसपे एन होते टोटल नंबर ऑफ पीस अगर एन क्यूब होते तो इसमें एन होते एन में से दो कॉर्नर पे चले जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा एन माइनस दो एक पे आए तो बारह पे कितने होंगे इसका बारह गुना क्या ये समझ पा रहे हो आप रिपीट करता हूं तो कॉर्नर में जा चुके हैं तो कितने बचे हैं एन माइनस टू बचे हैं एन माइनस टू बचे और ऐसी ऐसी कितनी भुजाएं हैं बारह हैं तो एक पे एन माइनस टू है तो बारह पे कितने होंगे उसका बारह गुना कोई दिक्कत यहां तक समझ पा रहे हो चलो अब आ जाते हैं किनके एक फेस पे पेंट होगा एक फेस वाले कहां पे होने चाहिए ना तो कोनों पे हो सकते हैं ना ही वो सिराओं पे हो सकते हैं तो वो कहां पे बचे फलक पे बचे और वो हमें दिखने भी चाहिए और ऐसे कितने फलक हैं छे फलक हैं एक फलक एक फलक पे निकाल के उसको छे से गुना कर दें चलो एक फलक निकालते बेटा इस फलक को मैं साइड में बना लेता हूं ये फलक चार बाई चार का बनेगा ये कॉर्नर पे जा चुके मैं इस पे लिख देता हूं बेटा ये तीन पीस वाला होगा ये तीन फेस वाला होगा ये तीन फेस वाला होगा तीन फेस वाला ये कॉर्नर पे जा चुके हैं ये, ये कितनों पे ये सिराओं पे आ चुके हैं कितने फेस, फेस पे पेंट था दो पे दो पे दो पे दो पे Osionfish. दो वाले दो वाले दो वाले और दो वाले ये जा चुके ये आपका जो था ये चार बाई चार का था तो ये अंदर वाला जो बचा है ये कितने बाई कितने का बचा है दो बाई दो का बचा है इसकी ऊंचाई थी चार उसमें से टॉप वाला और बॉटम वाला चला गया तो ये ऊंचाई कितनी बची दो बची अब ये चार था तो उसमें से एक इधर वाला चला गया एक इधर वाली लेर चलेगी तो कितनी बची दो तो ये जो एक एक है ये दो बाई दो का बनेगा अगर ये पांच बाई पांच का होता तो अंदर कितने का बनता अगर ये पांच बाई पांच का होता तो अंदर कितने का बनता बेटा तीन बाई तीन का बनता एक देखो बेटा अंदर ये वाला बनता तीन बाई तीन बनता ना तो देखो लंबाई एक इसकी ऊंचाई एक कम हो जाए दो कम होगी एक ऊपर वाला जाएगा एक नीचे वाला जाएगा और एक साइड में से इधर जाएगा एक साइड में से इधर जाएगा ये भी दो कम हो जाएगा ये भी दो कम हो जाएगा कोई दिक्कत यहां तक ठीक है अगर ये एन बाई एन का होता तो उसके अंदर क्या बचता एन माइनस टू बाई एन माइनस टू का बचता एन है अगर ये एक राइट से जाएगा एक लेफ्ट से जाएगा तो एन माइनस टू बचा एक ऊपर से चला जाएगा एक नीचे से चला जाएगा तो कितना बचेगा एन माइनस टू तो एक फेस पे कितने बनेंगे एन माइनस टू का वर्ग एन माइनस टू गुना एन माइनस टू एन माइनस टू का वर्ग और ऐसे ऐसे कितने फेस हैं? फेस हैं। फेस एक पे आपने निकाल लिया जैसा एक पे निकाला है वैसा हर एक पे मिलेगा आपको, तो आप इसको किससे गुना कर दोगे छह से गुना कर दोगे कोई दिक्कत यहां तक नहीं हाँ जी बेटा ये वाला एन माइनस टू का एन माइनस टू का देखो अगर ये चार बाई चार था तो अंदर बना दो गुना दो दो गुना दो मतलब दो का वर्ग अगर पाँच पाँच होता, तो क्या बन जाता तीन तीन वर्ग बन जाता अगर सात बाई सा पांच गुना पांच बनता पांच का वर्ग कह देते यदि एन गुना एन है तो क्या बचेगा अंदर एन माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस टू गुना एन माइनस टू क्या होगा बेटा एन माइनस टू का वर्ग यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो मुझसे ठीक है एक पे निकाला एन माइनस टू का वर्क और ऐसे ऐसे कितने हैं छ हैं तो छे पे इसका छ गुना कोई दिक्कत यहां तक अब ऐसा बोलेगा कि किसी पे भी कलर नहीं है ठीक है ना कोई रंग नहीं या रंगहीन बोलेगा ठीक है ना रंगहीन कितने पीसेज होंगे जिन पे रंग नहीं होगा देखो बेटा जिन पे रंग नहीं होगा वो हमें दिखने नहीं चाहिए अगर वो दिखते तो हम उन पे पेंट कर देते अब ऐसा तो नहीं करोगे इसमें चाकू घोप के अंदर कलर डालोगे ठीक है ना नहीं ठीक है ना वो जो दिख रहे थे उनपे हमने पेंट कर दिया तो ऊपर वाली पूरी लेयर के ऊपर पेंट हो रखा है ऊपर वाली लेयर को हटा दो तो अब ऊपर जो दिखेगा उस पे पेंट होगा कि नहीं होगा नहीं होगा पेंट नीचे वाली लेयर को भी हटा दो बिकॉज नीचे वाली लेयर पे पेंट है ठीक है ना तो इसकी ऊंचाई कितनी थी चार थी तो अब कितनी ऊंचाई बची है दो राइट right में पेंट हो रखा है उसे हटा दो लेफ्ट वाले को भी हटा दो ये भुजा भी दो कम हो जाएगी सामने पेंट है पीछे भी पेंट है तो एक सामने वाली लेयर हटा दो एक पीछे वाली लेयर हटा दो तो कहना ही से इसकी ऊंचाई दो कम हो जाएगी लंबाई दो कम हो जाएगी और चौड़ाई भी दो कम हो जाएगी तो ये चार का था चार लंबाई थी तो दो हो जाएगी चौड़ाई कितनी हो जाएगी दो और ऊंचाई कितनी हो जाएगी दो तो इसके अंदर एक इस टाइप का छोटा घन निकलेगा इस घन में कितने टुकड़े होंगे आठ होंगे तो इनमें किसी पे भी पेंट नहीं होगा नहीं होगा ना अगर इसकी ऊंचाई चार थी तो अब कितनी बची है दो अगर उसकी ऊंचाई एन थी तो कितनी बचेगी एन 2 लंबाई एन थी तो कितनी बचेगी एन 2 चौड़ाई एन थी तो कितने बचेगी एन 2 टू तो उसमें कितने पीसीज होंगे एन माइनस का किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो पूछो बेटा क्यों क्यों इसलिए बेटा बिकॉज़ इसका कैसे निकालते हो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तो लंबाई में एन माइनस टू है चौड़ाई में एन माइनस टू और ऊंचाई में भी एन माइनस टू यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो गुड़िया हाँ रंगीन या रंगहीन रंगहीन अच्छा जिसपे रंग नहीं होगा बच्चे वो अंदर होना चाहिए इसके ठीक है ना अब देखो बेटा अगर इसकी ऊंचाई पांच थी मान लिया तो एक ऊपर से लेयर हटा दोगे एक नीचे से लेयर हटा दोगे तो कितनी ऊंचाई बचेगी तीन बचेगी ना बेटा पांच अगर लेयर है तो ऊपर वाली लेयर पे भी पेंट है नीचे वाली लेयर पे भी पेंट है तो कितनी कितनी ऊंचाई बचेगी तीन अगर दस है तो कितनी बचेगी आठ अगर एन है तो कितनी बचेगी एन माइनस टू चौड़ाई एन थी तो दो लेयर हटा दी आपने आजू बाजू वाली कितनी बची एन माइनस टू अब इसकी जो ऊंचाई है उसको भी वो क्या बचेगा एन माइनस टू गुना एन माइनस टू गुना एन माइनस टू जिसको मैं एन माइनस टू का क्यूब कह सकता हूं बोलो हाँ के ना ठीक है तो इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो बताओ बेटा रटना नहीं है क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ये आप क्यूबोर्ड में भी लगाओगे माइनस टू का स्क्वायर नहीं समझ में आया चलो तो एक फेस पे निकालते हैं बेटा जैसे एक फेस इसका था चार बाई चार का था तो इसके अंदर कितने का बनेगा दो बाई दो का अगर ये एन होता बेटा एन होता ये मान लिया एन है यहाँ पे भी एन लेयर है तो एक इधर वाली लेयर हटा दो एक इधर वाली लेयर हटा दो तो यहाँ पे कितनी बची एन माइनस टू इधर वाली लेयर हटा दो इधर वाली लेयर हटा दो तो इसके अंदर क्या बचेगा ये कितने का बचेगा एन माइनस टू गुना एन माइनस टू बचेगा एन माइनस टू गुना एन माइनस टू को क्या बोलोगे एन माइनस टू का वर्ग तो ये तो एक फेस पे आ गया एन माइनस टू का वर्ग और ऐसे ऐसे कितने फेसेस हैं बच्चे छे हैं तो छे से गुना कर देंगे क्यों गुना करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्यूब की तो क्यूब पे तो सभी पे एक जैसा मिलेगा आपको जब क्यूबोइड में जाएंगे तो छे से गुना नहीं करेंगे हाँ जी बेटा क्या के छे के छे फलक एक जैसे होते हैं नहीं होते कितने एक जैसे होते हैं कितने युगम होते हैं क्यूबोयड में घनाब में कितने एक जैसे होते हैं दो दो के तीन पेयर बनेंगे जितना फर्श होगा उतनी छत होगी जितनी ये दीवार होगी उतनी सामने वाली होगी जैसी राइट वाली है वैसी ही लेफ्ट वाली होगी तो उसमें हम छे से छुना नहीं करेंगे हम टॉप पे निकालेंगे उसको डबल कर देंगे कि बॉटम पे भी इतने आ जाएंगे सामने वाला निकालेंगे उसको डबल कर देंगे क्योंकि पीछे वाले में भी उतने होंगे साइड वाला निकालेंगे उसको डबल कर देंगे क्योंकि राइट वाले में जो है उतना ही लेफ्ट वाले में ठीक है चलो मैं चाय ऑर्डर करता हूँ आप में से कौन कौन चाय पीता बेटा चाय वगैरह ठीक है ना जल्दी पी के आना नीचे ठीक है ना मिलते हैं ओके सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अभी तो कोई डाउट है तो पूछो एक बार कुछ हमने यहां पे फॉर्मूलाज वगैरह डिराइव किए थे इसके अंदर कितने ऐसे छोटे टुकड़े हैं जो हर तरफ से किसी ना किसी से ढके होंगे इसके अंदर कितने ऐसे टुकड़े हैं जो हर तरफ से किसी ना किसी से ढके होंगे आठ अगर वो हर तरफ से ढके होंगे तो हमें दिखाई नहीं देंगे और वो दिखाई नहीं देंगे तो वो कैसे होने चाहिए रंगहीन तो यहां पे जवाब क्या होगा एन माइनस टू का क्यूब एन यहां पे क्या है बेटा चार है कोई दिक्कत तो अभी कुछ क्वेश्चन ट्राई करें चलिए अच्छा एक बार जो हमने डिराइव किया है एक बार उसको मैं लिखवा दूं आपको उसमें से ज्यादातर चीजें आपने लिख रखी होंगी ठीक है ना फिर भी मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूं लिखें यदि एक घन को यदि किसी घन को यदि किसी घन को सभी फलकों पर लाल रंग से पेंट करके यदि किसी घन को सभी फलकों पर लाल रंग से पेंट करके पेंट करके लिखोगे पोत कर लिखोगे ठीक है ना लोपित की लेपित लेपित बेटा ठीक है ना चल हाँ पेंट करके सभी फेसेस पे पेंट करके क्यूब छोटे टुकड़ों में काटा जाए एन क्यूब छोटे टुकड़ों में काटा जाए ये एन क्यूब क्या है बेटा टुकड़ों की कुल संख्या या आयतन की बात कर रहे हैं ठीक है ना एन क्यूब टुकड़ों में काटा जाए हर साइड पे कितने पीस होंगे हर भुजा पे कितने होंगे एन होंगे ना एन जैसे मान लिया चौसठ में काटना है तो एन का मान क्या होगा उसमें चार होगा अगर इसके 216 टुकड़े करने हैं तो एन क्यूब बराबर दो सोलह तो एन का मान क्या आ जाएगा आएगा बेटा छ का क्यूब होता है 216 ठीक है ना चलो छोटा सा काम यही कर लेते हैं एक बार देख लेते बेटा अगर एन का मान तीन है तो तीन का क्यूब क्या होगा सत्ताईस चार का चौसठ पांच का एक सौ पच्चीस अगर दो सोलह टुकड़े हैं तो एन का मान छ अगर सात हर भुजा में को सात टुकड़ों में काट दिया जाए तो कितने बनेंगे पीस तीन सौ तरतालीस अगर ऐसा बोला जाए छोटे टुकड़े बनाए हैं जिसकी भुजा पहले वाले की ए, एक बटे आठवां भाग है अगर भुजा एक बटे आठवां भाग होगी तो एन का मान आठ होगा और टोटल कितने टुकड़े बनेंगे आठ का क्यूब आठ का क्यूब कितना बनेगा पांच सौ बारह नौ का क्यूब क्या होगा सात 10 उनतीस दस का क्यूब एक हजार यही तक ठीक है ना काफी है दस क्यूब तक पता होना चाहिए तो अगर मैं ऐसे बोलूं एक क्यूब को पेंट करके उसको सात सौ उनतीस छोटे तो ये सात सौ उनतीस क्या है एन है कि एन क्यूब है एन क्यूब है तो एन क्या होगा उसमें नौ होगा ठीक है ना तो अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं किसी घन को सभी फेसों पर लाल रंग से पेंट करके उसे एन क्यूब छोटे टुकड़ों में काटा जाता है एन क्यूब छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो कितने टुकड़ों पर कितने छोटे घनों पर कितने छोटे घनों पर पहला पॉइंट तीन सतह पर पेंट होगा तीन सतह पर पेंट होगा बताओ बेटा आठ तीन सतह पे पेंट आठ तो कितने कितने छोटे घनों पर तीन सतों पे पेंट होगा वो बनेगा आठ दूसरा पार्ट दो सतहों पे पेंट होगा क्या होना चाहिए बारह गुना एन माइनस दो देखो हर बुजा पे एन है उनमें से दो कॉर्नर पे चले जाएंगे ठीक है ना हर बुजा पे एन माइनस दो बने तो बारह बुझाए हैं तो बारह पे उसका बारह गुना ठीक है अगला एक ही फेस पे पेंट होगा एक ही सतह पे पेंट होगा छ नहीं होगा बेटा छे तो फलक होंगे ना पहले एक पे निकालोगे एक पे कितना बनेगा एन माइनस टू का स्क्वायर बनेगा और छे पे क्या हो जाएगा छ गुना एन माइनस दो का स्क्वायर ठीक है ना तीन फेस वाले आठ दो फेस पे पेंट बारह गुना एन माइनस दो एक फेस पे पेंट गुना एन माइनस दो कलर नहीं होगा किसी सतह पे रंग नहीं होगा या रंगहीन होंगे जीरो फेस पेंटेड नौ फेस पेंटेड नौ कलर कोई कलर नहीं होना चाहिए वो बनेंगे एन माइनस टू का क्यूब एन माइनस टू का घन कोई दिक्कत यहां तक ठीक है बच्चों लास्ट हाँ वाला, जिसमें कोई पेंट नहीं होगा वो देखो, जितनी भी लेयर दो कम हो जाएगी, जाएगी, तो जाएगी? जाएगी चौड़ाई में भी सामने वाला फेस और पीछे वाली सतह को हटा दोगे तो दो सतह कम हो जाएगी एन थी तो एन माइनस टू बनेगी लंबाई एन माइनस टू चौड़ाई एन माइनस टू और ऊंचाई भी N -2, कोई दिक्कत तक, ठीक है? रट्टा नहीं लगाना है लेकिन ठीक है ना समझ गए ना आप दिखता है कितनी जल्दी जल्दी आप आंसर करते हो एक बार सारे एक साथ कर लो आप फिर हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है ना ये बच्चे फिर नहीं तो किसी बच्चे को आ, हाँ ये 125 क्या है एन है कि एन क्यूब है एन क्यूब तो एन क्या होगा पांच क्या इसमें चित्र बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम विजुअलाइज़ पहले ही कर चुके हैं और फॉर्मूला अभी आपको आते हैं ତ ନିପଟା ଦୋ ବେଟା हो एन क्यूब एक सौ पच्चीस एन का मान एन का मान पांच पहला तीन चेहरों पर रंग आठ दो चेहरों पर रंग वो आप देखोगे एजेज के ऊपर एक एज पे कितने बनेंगे बेटा अगर इनका मान पांच है तो एक एज पे कितने बनेंगे पांच में से दो तो कोनों पे चले जाएंगे और ऐसी बारह एज हैं तो बारह छत्तीस एक रंग पे, पे पेंट एक रंग पे पेंट तो देखो अगर आप विजुअलाइज करना चाहोगे तो पांच बाई पांच का वर्ग बनेगा पांच बाई पांच का बनेगा इसमें से ये कोनों में चले जाएंगे तीन रंग वाले हैं ये एज में दो रंग वाले हो गए ये एक एक रंग वाले यहां पे बचेंगे आप इनको देखोगे तो ये तीन बाई तीन का वर्ग बनेगा ठीक है ना तो पांच माइनस दो का क्यूब इस पांच माइनस दो का वर्ग तो इसपे नौ बनेंगे और ऐसे कितने हैं गुना नौ चौबन बनेंगे जिसपे कोई रंग नहीं होगा वो होंगे इसके अंदर एन माइनस टू का क्यूब होता है तो इसमें पांच है बेटा पांच में से दो हटा दोगे तो लंबाई दो कम हो जाएगी चौड़ाई दो कम हो जाएगी तीन का क्यूब कितना बनेगा बेटा सत्ताईस अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 125 कितने ऐसे टुकड़े होंगे जिनके चार सतह पे पेंट होगा चार सतह पे पेंट होगा क्योंकि होता नहीं है चार सतह पे कैसे पेंट हो सकता है किसी पे नहीं ना ठीक है ना वो तो तभी संभव था अच्छा चार सतह पे पेंट कभी हो सकता है क्या चार सतह पे पिंट हां हाँ, काटने से पहले हो सकता है कि आपने किया हो वैसे चार पे हो सकता है लेकिन वो घन नहीं बनेंगे फिर चार पे हो सकता है लेकिन वो घन नहीं बनेंगे वो घनाब हो सकते हैं सोच सकते हो कैसे हो कैसे बना होगा इस पे आपने सभी सतों पे पेंट कर दिया अब आपने इसके दो टुकड़े कर दिए इस टुकड़े के कितने सतों पे पेंट है पांच पे पेंट है ना बेटा ऊपर पेंट है नीचे पेंट है सामने पेंट है उस साइड में पेंट है और इधर पेंट है लेकिन सिर्फ इस वाली सतह पे नहीं होगा पेंट बोलो हां के ना ठीक है कोई दिक्कत चलो अगर आपने ऐसे काट दिया इसको अभी भी देखो ये घन नहीं बनेंगे ये घन बनेंगे चलो मैं ये ऊपर वाले इस टुकड़े की बात करता हूँ इसमें कितनों पे पेंट है बेटा चार पे पेंट है ना तीन तो ये एक दो और पीछे तीन और ऊपर पेंट है इसके नीचे पेंट नहीं होगा क्योंकि वहां से तो कटा है इधर भी पेंट नहीं होगा तो इसमें चार ऐसा संभव है लेकिन थोड़ा सा दिमाग मतलब आज तक कभी किसी ने ना तो पूछा है ऐसा कि भाई चार टुकड़ों पे पेंट होगा चार सतो पे पेंट होगा तो ऐसा ही संभव है तब घन को घन में नहीं काट सकते आप घन आप में काट सकते हो कोई दिक्कत यहां तक ठीक है बच्चों और आगे बढ़े बारह सेंटीमीटर लंबाई के घन को उसके सभी छह फलकों पर अच्छा मैंने लाल रंग का लिखवाया ना फॉर्मूला अगर उस पर बैंग नहीं होगा तो भी वही फॉर्मूला लगेगा बेटा ठीक है ना ये नहीं कि सर हर रंग के हिसाब से लगाओ इसमें एन का मान कितना होगा एन का मान चार होगा बारह सेंटीमीटर है उसको तीन तीन सेंटीमीटर के टुकड़े काटोगे तो एन का मान चार डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या नहीं टोटल कितने टुकड़े बनेंगे चौसठ बनेंगे तो जल्दी से निपटा दो फिर आंसर बोलते जाओ एन का मान इसमें बनेगा चार बारह सेंटीमीटर को तीस सेंटीमीटर में काटा जाता है करेक्ट गुड एन बारह सेंटीमीटर से तीन तीन सेंटीमीटर के चार टुकड़े चार टुकड़े बनेंगे हर भुजा पे चार बनेंगे पहला दो फलक दो फलक का फॉर्मूला बारह गुना एन माइनस टू तो कितने बनेंगे चौबीस कोई रंग नहीं होगा तो वो एन माइनस दो का क्यूब दो का क्यूब आठ बनेगा एक ही फेस पे, पे पेंट होगा वो फेस पे होने चाहिए एक फेस पे पेंट होगा वो वो फेस पे होने चाहिए एक फेस पे कितने बनेंगे ये चार बाई चार का है तो एक फेस कितने का बनेगा बेटा चार माइनस दो का वर्क और ऐसे छे बनेंगे तो ये बनेगा छ गुना दो का वर्क गुना चार चौबीस कोई दिक्कत यहां तक छोटा सा और सवाल पूछूं कम से कम कितनी कम से कम एक सतह पे रंग होगा कितने पीस होंगे कम से कम एक सतह पे रंग होगा हाँ इसी प्रश्न में कम से कम कि, कितने टुकड़ों पे एक ही कम से कम एक सतह पे, पे पेंट होना चाहिए टोटल में से वो हटा दो जिन पे रंग नहीं है देखो बेटा टोटल कितने हैं चौसठ टोटल चौसठ बनेंगे इनमें सिर्फ अंदर वालों को छोड़ दो अंदर कितने बनेंगे आठ बनेंगे उस आठ 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 उस उस पे कोई रंग नहीं होगा उस आठ को अगर छोड़ दोगे तो बाकी सभी पे रंग होगा तो कितने बनेंगे चौसठ में से आठ चला जाएगा तो कितने बनेंगे छप्पन या अलग अलग से जोड़ोगे एक सतह पे, पे पेंट दो पे पेंट तीन पे पेंट ठीक है ना कोई दिक्कत यहां तक एक वाले कितने आए थे चौबीस दो वाले भी चौबीस अड़तालीस और आठ कोनों वाले होंगे जिन पे तीन पे पेंट होगा ठीक है अब यहां पे आपको फॉर्मूला के साथ साथ एक और चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी बेटा उसे दिमाग कहते हैं ठीक है ना यहाँ पे कितने पेंट कितने रंग पेंट करे हैं तीन रंग पेंट करें बेटा शांति बच्चे दिमाग यहां लगा रहे बेटा इसमें अलग-अलग रंग इस्तेमाल बेटा ये पूछे ये करने हैं आपने ये हो बेटा सिलेबस बदल गया है देखो ये क्वेश्चन चेंज हो गए हैं क्वेश्चन नंबर देखो आप बिल्कुल मेरी छोटी सिस्टर जैसे हो बेटा ठीक है ना उसे भी मैं कितना ही पढ़ा लू ठीक है ना छे का क्यूब होता है बेटा देखें कितने पीस कितने क्वेश्चन है इस पे पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तक दिख रहा है बेटा चलो कोई नहीं हम तीन तीन कर लेंगे एक साथ में चौबीस hmm. का चौबीस का करेक्ट है मैं सारे समझाऊंगा बेटा बाकी भी ट्राई करो रेड कितनों पे पेंट किया है कितने फेसिस पे पेंट किया रेड दो पे किया विपरीत पे ना दो विपरीत पे विपरीत पे ही किया ना चलो ठीक है एक बार हम ना इसका पूरा एनालिसिस पूरा एक्सरे कर लेते बेटा अगर मैं ऐसे बोलूं कितनों पे लाल रंग है, कितने पे लाल लाल रंग रंग है है कितने क्या उन पे हरा हो सकता है हो भी सकता है नहीं भी हो क्या उनके तीनों सतह पे, पे पेंट हो सकता है हो सकता है उसपे लाल रंग होना चाहिए बाकी हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ना तो इसको दो तीन तरीके से सोल्व करता हूँ ठीक है ना समझने के लिए थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूं या वैसे वैसे बिना फॉर्मूला से करवाऊं फॉर्मूला से करते चलो दोनों काम कर देंगे बेटा बुरा मत मानना कोई बच्चा ये इनके फोटो ले सकता है क्वेश्चंस के एक बार फोटो खींच लो मैं फिर इसको ऊपर करूंगा ओके बेटा ये भी बेटा सर हैंड पंप क्या कर रहे हो हैंडसम अच्छा चल आगे बढ़े आपको पता है मैं क्यों लगता हूँ हैंडसम क्योंकि मैं हूं ठीक है ना <laughs> मजाक कर रहा हूं बेटा ठीक है ना हम्म <laughs> पहले वैसे एक्सरे कर लेते हैं क्वेश्चंस का हमारे पास 216 सो पीस हैं तो एन का मान कितना होगा बेटा एन का मान होगा एन बराबर है तीन फेस पे पेंट कितने होंगे आठ तीन फेस पे पेंट होगा बेटा आठ के दो फेस पे पेंट कितनों पे होगा बारह गुना छ माइनस दो अड़तालीस एक फेस पे पेंट कितनों पे होगा एक फेस छ गुना चार माइनस दो का वर्ग ये सोलह गुना छियानवे बनेगा अब कोई भी कलर नहीं या जीरो कलर नो कलर नो कलर वो हो जाएंगे कितने बेटा छ माइनस दो का क्यूब वो बनेंगे चौसठ ये जो आठ हैं इसके होंगे बेटा चार टुकड़े आठ के चार दो ऐसे होंगे जिन पे सभी कलर होंगे दो टुकड़े ऐसे होंगे जिन पे रेड होगा और कौन सा था ग्रीन रेड तो लाल ही हो गया बेटा ग्रीन और येलो ठीक है ना रेड ग्रीन और येलो दो पे तो तीनों रंग होंगे है ना नहीं समझ आया बाकी जो बचेंगे या सभी पे होंगे या सभी पे होंगे कोई भी देख लो बेटा सभी पे होगा रेड यहाँ पे भी रेड है ग्रीन यहाँ पे ग्रीन है येलो यहाँ पे भी है उस साइड में भी येलो है तो देखो इस पे रेड ग्रीन येलो इस पे भी रेड ग्रीन येलो इस पे भी रेड ग्रीन येलो ठीक है ना तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं इन इनपे तीनों कलर होंगे और तीनों अलग अलग रंग होंगे सभी पे क्या होगा रेड ग्रीन और येलो अब जिन पे दो फेस पेंट है वो दो फेस पे क्या कौन कौन सा रंग हो सकता है रेड ग्रीन हो सकता है ग्रीन येलो हो सकता है और रेड येलो हो सकता है ठीक है ना दो ही कलर होने चाहिए और सिमेट्रिकल बनेगा ये फिगर तो इस 48 को तीन बराबर बराबर भागों में बांटो क्या होगा बेटा 16, ये रेड और ग्रीन है रेड और येलो ये ग्रीन और येलो। ये छियानवे कौन से हैं जिन पे एक ही एक ही फेस पेंट होगा वो फेस एक ही कलर से पेंट होगा वो सिर्फ रेड हो सकता है सिर्फ येलो हो सकता है सिर्फ ग्रीन हो सकता है ठीक है ना बराबर बराबर होंगे तो इसके तीन बराबर पार्ट कर दो आप बत्तीस 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 पे सिर्फ रेड बत्तीस पे ग्रीन बत्तीस पे येलो और इन पे कोई भी रंग नहीं होगा कोई भी रंग नहीं होगा तो पहले तो इस फॉर्मूला की मदद से ऐसे आपने ब्रेक कर दिया ना अब सोल्व करते हैं पहला प्रश्न क्या है कितने टुकड़ों पे तीन रंग होंगे तीनों रंग होंगे तो वो तो कॉर्नर वाले ही होने चाहिए क्या जवाब होगा आठ ठीक है दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा जो फोटो खींचने को बोला था ना अच्छा यहाँ पे लिखा कितनों पे रेड कलर होगा अच्छा उसने ये बोला है कि एक ही फेस पे होना चाहिए नहीं ना रेड कलर होना चाहिए वो चाहे कॉर्नर वाले भी हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं तो ये आठ लोगे के नहीं लेंगे ये आठ इनमें से ये सोलह लोगे हाँ ये सोलह लोगे हाँ और ये बत्तीस लेंगे तो सोलह और सोलह बत्तीस बत्तीस चौसठ चौसठ और आठ कितने हो जाएंगे बेटा ना कितनों पे लाल पे लाल लाल रंग है? समझ पा रहे? इनमें कोई डबल काउंटिंग तो नहीं है ना सारे अलग अलग ब्रेक कर रखे हमने तो कितनों पे होगा बहत्तर पे होगा ठीक है ना तो इनके आंसर लिखते जाओ बेटा बाईस में का था क्या आंसर आठ का बेहत्तर ठीक है ना क्योंकि फिर हम डायग्राम से भी करेंगे इनको है कितनों पे सिर्फ लाल रंग होगा। सिर्फ लाल लाल रंग रंग होगा इसका मतलब उस पर सिर्फ एक ही फेस पे, पे पेंट होना चाहिए तो कौन से लोग इनमें से ये बत्तीस ही लेंगे सिर्फ लाल कलर होना चाहिए और रंग नहीं होना चाहिए तो आंसर क्या होगा बत्तीस अगला क्वेश्चन क्या है पीला रंग नहीं होगा कितने टुकड़ों पर पीला रंग नहीं होगा चलो ये देखो बेटा ये आठ तो नहीं लेने इन पे तो पीला है अच्छा ये लेंगे सोला ये लेंगे सोला इन पे पीला नहीं है ये ये बत्तीस लोग पे भी पीला नहीं है ये बत्तीस लोग पे भी पीला नहीं है ये चौसठ लेंगे इन पे भी पीला नहीं है बोलो हां के ना तो कितने हो गए बेटा एक सौ चवालीस एक सौ चवालीस अब इसको करने का दूसरा तरीका देखते हैं लाल रंग कितनों पे आया था बेहतर पे तो पीला कितनों पे होगा बेहतर पे 216 में बेहतर पे पीला है तो बाकी पे पीला नहीं होगा 216 में बेहतर पे पीला रंग है तो बेहतर हटा दो कितने बचे 216 में से बेहतर जाएगा एक सौ चवालीस कोई दिक्कत तक, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन क्या है कितनों पर हरा और पीला है अच्छा लाल के बारे में कुछ बोला है हो भी सकता है ना इसका मतलब ये आठ लोगे कि नहीं लेंगे इन पे हरा और पीला तो है जिस पे हरा और पीला है जिस पे दो रंग होंगे उस पे कम से कम दो सतह पे, पे पेंट होना जरूरी है तीन पे भी पेंट हो सकता है तो मतलब आपको इनमें भी देखना और इनमें भी देखना है इनमें आठ हैं इनमें हरा और पीला बोला बेटा हरा और पीला यहां पे कितने हैं सोला सोलह और आठ चौबीस क्वेश्चन खत्म अगला अच्छा हरा और पीला सिर्फ हरा और पीला होना चाहिए यही दो कलर होने चाहिए इनके अलावा तीसरा कलर नहीं होना चाहिए तो अब इन आठ को नहीं लेंगे तो अब कितना बनेगा सोलह बनेगा कोई दिक्कत अगला कितने टुकड़ों पर सिर्फ एक ही रंग होगा वो रंग कौन सा होगा ये तो नहीं पता तो इसका मतलब हम सभी छियानवे की बात करेंगे ठीक है ना तो इसका जवाब होगा छियानवे कोई दिक्कत यहां तक सारे सॉल हो गए बीचा मेन चीज को तो तुम हटा रहे हो ठीक है ना <laughs> कोई दिक्कत दो पूछो बेटा आप सिर्फ रेड का मतलब है रेड के अलावा और कोई पेंट नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब एक ही सतह पे पेंट होगा इसमें एक ही सतह पे पेंट होगा अभी बनाएंगे बेटा चलो तो अभी पिक्चर दिखाते हैं आपको हां वही बेटा ऐसे छह बनेंगे छे ऐसे ठीक है बच्चे मान लिया ऊपर वालों पे लाल रंग है तो नीचे भी लाल होगा इस साइड में मैं इन पे येलो मान लेता हूं तो इधर भी येलो मानूंगा सामने अगर ग्रीन है तो विपरीत दिशा में बैक साइड में भी ग्रीन होगा। में ग्रीन। होगा। बैक साइड में पहला प्रश्न क्या है कितनों पे तीनों रंग होंगे तीनों रंग देखो बेटा कॉर्नर पे होने चाहिए सभी कॉर्नर एक जैसे हैं इसमें तो? तो कितना आंसर होगा आठ अगला क्या है कितनों पे कितनों पे लाल रंग होना चाहिए आप देखो ऊपर वाली पूरी सतह पे लाल है ऊपर वाली सतह छह की है कितने हैं ऊपर छत्तीस ऊपर छत्तीस है तो नीचे भी छत्तीस होंगे कितने हो गए बेहतर यही था आंसर बेहतर ही था ना अलग अलग से काउंट करने की जरूरत है ही नहीं वो कह रहा है कितनों पे लाल है ये पूरी लेयर पे लाल है नीचे भी लाल So, कितना हो गया बेहतर सिर्फ लाल कलर सिर्फ लाल कलर तो आपको इस कितने का बनेगा ये चार बाई चार का बनेगा ना हर जगह से एक एक हट जाएगा तो दो दो कम हो जाएंगे तो इसके अंदर चार बाई चार का बनेगा तो ऊपर वाले कितने बनेंगे सोलह नीचे कितने बनेंगे सोलह कितने हो जाएंगे बत्तीस क्या यही जवाब था ठीक है अगला क्या था पीला नहीं है तो देखो बेटा ये लेयर हटा दो इस पे तो सारी पे पीला है इधर वाली लेयर भी हटा दो तो ये कितना बचेगा छह से कितना हो जाएगा ये चार हो जाएगा लेकिन ऊंचाई छे रहेगी अभी भी और इस तरीके से भी छे रहेगा तो सिर्फ ये चार होगा ये छे होगा ये छे होगा तो चार गुना छह गुना छ कितना हो जाएगा एक सौ चवालीस चार गुना छुना छत्तीस छत्तीस गुना चार एक सौ चवालीस वैसे देखो इन छत्तीस पे येलो उन छत्तीस पे येलो बहत्तर पे पीला है तो टोटल है दो सौ सोलह दो सौ सोलह में से बेहतर हटा दो एक सौ चवालीस अगला हरा और पीला तो हमें हमारे पास कुल कितनी एज होती हैं? बारह एज होती हैं। बारह एज में से चार एज पीले और हरे के बीच में होंगी, चार पीले और लाल के बीच में होंगी, और चार लाल और हरे के बीच में होंगे ठीक है ना होंगे ना तो हमें कितनी एज चाहिए कितनों पे पीला और हरा चाहिए पीला और हरा चाहिए, और हरा चाहिए। तो पहले तो पीला और हरा होने के लिए लाल के लिए उन्होंने मना नहीं किया है तो इसका मतलब आठ तो कॉर्नर वाले ही आ जाएंगे और इसकी एज की लंबाई कितनी है छह है तो हर एज पे कितने बनेंगे बेटा चार बनेंगे हर एज पे कितने बनेंगे चार लेकिन सब लेकिन हमारे पास टोटल कितनी एज थी बारह एज थी बारह एज में से लाल और हरे के बीच में कितनी एज होंगी चार होंगे ना बेटा बारह एज होती हैं देखो लाल और हरे के बीच में देखना अपने, लाल और हरे के बीच में एक तो ये एज होगी एक ये होगी एक ये होगी और एक जो हमें दिख नहीं रही है वो होगी चार एज बनेंगी सिर्फ बारह एज होती है तो बारह को तीन अलग अलग भागों में बांटोगे बारह को तीन में बांटोगे तो चार हो जाएंगी चार एज पे लाल और हरा चार पे लाल और पीला चार पे पीला और हरा ठीक है ना तो एक एज पे चार हैं चार एजेस पे चार एज बनेंगी, तो यहां पे आ जाएगा चौबीस और यहां पे ये कितने हैं आठ कितना हो जाएगा बत्तीस क्या पहले भी यही आया था आंसर ठीक है अगला अब ये आठ वाले नहीं लोगे अब सिर्फ क्या आ जाएगा ये सिर्फ ये चौबीस आएगा अगला क्वेश्चन बिल्कुल एक रंग है बिल्कुल एक रंग तो एक काम करते हैं सिर्फ लाल निकाल ले या किसी भी एक फेस पे निकाल लो एक फेस पे जो होंगे वो एक ही रंग होगा लेकिन एक रंग है लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा रंग है तो अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था सिर्फ लाल रंग तो उसके कितने आए थे बेटा बत्तीस आए थे ना सोलह ऊपर सोलह नीचे बत्तीस आए थे तो बत्तीस पे सिर्फ लाल बत्तीस पे सिर्फ हरा बत्तीस पे सिर्फ पीला तो कितने हो जाएंगे छियानवे हो जाएंगे और कोई बचा है क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो चलो ठीक है बेटा तो ड्राइंग कर लिया करो आप ठीक है ना अगला क्वेश्चन दूंगा आप ड्राना ठीक है ना मतलब ड्रा करना ठीक है ना सी सेट 2018 का है ये गुड़िया के ड्राइंग करने से पहले आंसर चाहिए मुझे तीन सेंटीमीटर को एक सेंटीमीटर में काटोगे एन की वैल्यू क्या होगी तीन ठीक कितना आंसर बारह बारह गुना तीन माइनस दो है ना बेटा तीन सेंटीमीटर है तो एन का मान क्या हो जाएगा इसमें तीन तीन सेंटीमीटर को एक सेंटीमीटर में काटोगे तो तीन टुकड़े बनेंगे एन का मान तीन और ठीक दो रंग दो रंग दोन का वैल्यू तीन है तो बारह गुना तीन माइनस दो बारह बनेगा कोई दिक्कत यहां तक ये सी सेट दो हजार उन्नीस का है ये थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम अगर समय बचता है तो कर लेंगे ये वाला एन का मान क्या होगा इसमें चार वेरी गुड एन का मान चार केवल एक फलक रंगे छोटे घनों की संख्या केवल एक फेस पेंटेड क्या फॉर्मूला होता है केवल एक फलक वालों का क्या फॉर्मूला होता है छे गुना एन माइनस दो का स्क्वायर एन का मान चार है इसमें तो चार माइनस छ गुना दो का वर्ग चौबीस बनेगा चौबिस छे गुना दो का वर्ग चौबीस कोई दिक्कत यहां तक एन का मान कितना होगा इसमें एन का मान कितना होगा एन का मान चार होगा ना चार बाई चार बाई चार का है उसे एक बाई एक बाई एक बाई में काटा है तो एन का मान चार होगा कोई भी फलक चित्रित नहीं है तो एन माइनस टू का क्यूब चार माइनस दो का क्यूब कितना बनेगा बेटा आठ कोई दिक्कत यहां तक बिना लिखे हो रहे हैं सोल्व क्वेश्चन ठीक है अब इस साल का क्वेश्चन देख ले देखो पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है ये तेतीसवा प्रश्न एक सौ पच्चीस सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं हम पहले क्या करते थे एक टुकड़े को काट के 125 बनाते थे ये कह रहा है 125 टुकड़े पड़े हैं इनको जोड़ के बड़ा घन बनाया 125 को व्यवस्थित करके एक बड़ा घन बनाया है कितने घन हर पर्स से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए होंगे जो हर तरफ से घिरे होंगे क्या वो हमें दिखाई देंगे नहीं वो कहाँ पे होने चाहिए उसके अंदर होने चाहिए उन पे कितनों पे पेंट होता है अगर हम बाद में पेंट करने की कोशिश करें तो कितनों पे कर पाओगे किसी पे भी नहीं कर पाएंगे ठीक है ना तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है एन माइनस टू का क्यूब सत्ताईस बनेंगे कोई दिक्कत यहां तक टू का क्यूब जो अंदर होंगे वो हर तरफ से गिरे जो हर तरफ से घिरा होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा दिखाई नहीं देगा तो पहले जो स्टार्टिंग में आप कट करते थे जो दिखाई नहीं देते थे उन पे पेंट नहीं होता था तो यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ लिया है कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक ठीक है चला बता दो बेटा एक बार गुड़िया को पार्शो का मतलब क्या होता है हर तरफ से हर तरफ से हाँ जी बेटा घनाब करके देखें अब इस साल एक प्रश्न घनाब पे आया है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं चाहूंगा कि घनाब का फॉर्मूला आप मेरे साथ खुद से डिराइव करेंगे ये इसकी लंबाई है ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है तो टोटल कितने टुकड़े बनेंगे इसमें एल गुना बी गुना एच मान लिया यहाँ पे एल पीस है यहाँ पे बी है और यहाँ पे एच है तो टोटल कितने टुकड़े बनेंगे एल गुना बी गुना एच कितने कोने होंगे इसके आठ कितनी इसकी भुजाएं होंगी बारह क्या सारी भुजाएं बराबर होंगी नहीं लंबाई के बराबर कितनी होंगी चार चौड़ाई के बराबर चार ऊंचाई के बराबर चार इसके फेस कितने होंगे कितने फेस होंगे छे होंगे क्या सारे एक जैसे होंगे नहीं ये ऊपर वाला जो फेस है इस पे कितने टुकड़े होंगे गुना एच बेटा ये सॉरी एल गुना बी ये एल है और ये बी है तो इसपे कितने बनेंगे L गुना बी तो नीचे वाले पे भी L गुना बी होंगे इस पे कितने हैं मतलब एक पे निकाल के उसका दो गुना कर देंगे दो गुना कर देंगे देखो बेटा अगर ये L गुना बी है और मुझे वो टुकड़े निकालने हैं जिन पे सिर्फ एक ही रंग पेंट है तो यहां जी जो एल है ये क्या बन जाएगा इसका एल माइनस टू बनेगा ये क्या बनेगा बेटा एल माइनस टू ये क्या बनेगा बी माइनस टू अब इस फेस पे आओ इसके अंदर जिन पे एक ही फेस पे, पे पेंट होगा ये कितने बनेंगे एल माइनस टू और ये कितना एच माइनस टू तो जितने इस पे होंगे उतने ही उधर भी होंगे डबल हो जाएगा अब इस पे आओ इसपे कितने होंगे बी माइनस टू और ऊंचाई कितनी होगी एच माइनस टू अब अगर इसके अंदर वाले निकालना चाहूं मैं तो इसके अंदर जो बनेंगे उनकी लंबाई कितनी होगी एल माइनस टू ना एक लेयर इधर से हटा दी एक लेयर इधर से हटा दी पहले एन माइनस टू हो जाता था तो अब ये क्या बनेगा एल माइनस टू पहले जो ब्रेड था वो भी एन माइनस टू हो जाता था अब ये क्या बनेगा बी माइनस टू और ये क्या होगा एच माइनस टू अब भी हम फॉर्मूला नहीं लिखा है हम इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे ये कौन से होंगे जो इसके अंदर होंगे इनपे कितने कितने कितनी जगह पे, पे पेंट होगा इनपे कोई भी पेंट नहीं होगा ये अंदर है ना इसके प्रेजेंट अंदर देखोगे तो बेटा हाइट दो कम हो गई ऊपर से और नीचे से हटा दिया लंबाई दो यूनिट कम कर दी चौड़ाई भी यूनिट कर दी, तो इसके अंदर कितने बनेंगे? L -2 गुना, B -2 गुना, H -2. अगर ये क्यूब था, घन था तो ये एन माइनस टू ये एन माइनस टू ये एन माइनस टू तो क्या हो जाता था एन माइनस टू का क्यूब हो जाता था ठीक है ना कोई दिक्कत यहां तक चलो <coughs> लिखें अब एक घनाब एक घनाब जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b, तथा ऊंचाई h है एक घनाब जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b, तथा ऊंचाई h है को हर तरफ लाल रंग से पेंट करके हर तरफ लाल रंग से पेंट करके एक यूनिट एक इकाई एक इकाई भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है एक इकाई भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है तो छोटे घनों की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा छोटे घनों की संख्या क्या होनी चाहिए इसमें एल गुना बी गुना एच पहले एन गुना एन गुना एन होता था तो एन का क्यूब हो जाता था अभी बनेगा एल गुना बी गुना एच घनों की संख्या एल गुना बी गुना एच ठीक है ना जिनमें से जिनमें से जिनमें से वो टुकड़े जिनके वो टुकड़े जिनके पहला पॉइंट तीन फलकों पे पेंट है तीन फलकों पे पेंट है तीन फेस पे पेंट है कितने बनेंगे पहला पॉइंट है तीन फलकों पे पेंट क्या बनेंगे आठ ना वो तो कॉर्नर वाले ही बनेंगे जिनके तीन फलकों पे पेंट है वो कोने पे होंगे ये चाहे घन हो या घनाब हो कोने वाले तो वही रहेंगे तो क्या बनेगा आठ दूसरा दो फलकों पे पेंट होगा दो फेस पे पेंट होगा दो फलकों पे पेंट होगा अब यहां पे थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे दो फलकों पे पेंट होगा वो कहां पे होने चाहिए एज पे होने चाहिए एज पे होने चाहिए पहले हम क्या करते थे क्यूब था तो सारे एज एक जैसे होते थे तो हम एक पे निकाल के उस उसको बारह से गुना कर देते थे लेकिन अब सारे एक जैसे नहीं है पहले तो लंबाई वाले देखो बेटा लंबाई वालों पे कितने बनेंगे हर एक पे एल माइनस टू बनेंगे ना लंबाई वालों पे एल माइनस टू बनेंगे दो कॉर्नर पे चले जाएंगे और कितने होंगे लंबाई वाले ऐसे चार तो ये क्या बनेगा चार गुना एल माइनस टू जमा चौड़ाई वाले कितने बनेंगे चार चार गुना बी माइनस टू जमा चार गुना एच माइनस टू क्या ये समझ पा रहे हो मैं जानता हूं कि इसमें से चार कॉमन ले लोगे ये बनेगा चार गुना एल जमा बी जमा एच माइनस छ लेकिन ऐसे रखोगे तो थोड़ा सा सिस्टेमेटिक समझ में आ जाएगा कि चार लंबाइया हर एक लंबाई में से दो कॉर्नर वाले चले जाएंगे चार चौड़ाइयां हैं इसमें और चार ऊंचाइयां हैं ठीक है कोई दिक्कत यहां तक ओके बेटा बच्चे समझ पाए कॉन्फिडेंस नहीं आया तो बोलो दोबारा कराऊं देखो बच्चे जिनके दो फेस पे पेंट हो तो वो आपको एज वाले देखने पड़ेंगे इस एज पे देखो बेटा इस एज पे एल पीस है टोटल लंबाई के बराबर नहीं है ना ये एल इसमें से ये कॉर्नर वाला हट जाएगा ये कॉर्नर वाला हट जाएगा तो कितने बनेंगे दो कम हो जाएंगे ना एल माइनस टू बने ना एल माइनस टू और ऐसी कितनी है इसके बराबर वाली कितनी है चार है एक दो तीन और एक हमें दिख नहीं रही चार ऐसी चार है तो आपने एक पे एल माइनस टू करके चार से गुना कर दिया इसी तरीके से ब्रेथ वाली भी चार होंगी हाइट वाले भी चार होंगी बेटा समझ पा रहे हो ठीक है चलो गुड अगला एक फेस पे, पे पेंट होगा एक फेस पे पेंट होगा पहले आप क्या करते थे एक फेस वाले निकाल के उसको किससे गुना कर देते थे छे से गुना कर देते थे क्योंकि छे के छ एक जैसे अब आपके पास तीन अलग-अलग तरीके के फेस हैं, ठीक है ना और हर तरीके के दो मिलेंगे तो टॉप वाला देखो बेटा टॉप वाला एल गुना भी था तो ये एल टू हो दो कम हो जाएगा ब्रेथ भी टू कम हो जाएगा तो इसके अंदर कितना बनेगा एल माइनस टू गुना बी माइनस टू और ऐसे कितने बनेंगे दो बनेंगे ना बेटा एक एस जितने टॉप पे है उतने ही बॉटम पे तो दो गुना कर दू? सिमेट्रिकल देखो, दो गुना एल माइनस टू बी माइनस टू ऐसे ही दो गुना किसका होगा इधर वाले देखो बी माइनस टू गुना एच माइनस टू ऐसे ही दो गुना इनका हो जाएगा दो गुना इसका होगा एल माइनस टू गुना एच माइनस टू इसका डबल इसका भी डबल और इसका भी डबल ठीक है ना दो गुना एल माइनस टू बी माइनस टू दो गुना एल माइनस टू एच माइनस टू जमा दो गुना बी माइनस टू इंटू एच माइनस टू कोई दिक्कत यहां तक कौन सा ये वाला बेटा बेटा जितने टॉप पे होंगे उतने ही बॉटम पे भी होंगे ना अगर आपने यहां पे निकाले बच्चे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं बेटा मान लिया ये लंबाई है इसकी दस चौड़ाई है आठ और ये है सात कुल कितने टुकड़े बनेंगे दस गुना आठ गुना सात दस गुना आठ गुना सात एक एक के पे दस ऐसे बनेंगे यहां पे होंगे अब, पे पे तो अब दो फेस वाले देखो बेटा ये जो लंबाई है इस पे टेन है उस दस में से तो दो कॉर्नर में चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आठ और ऐसे आठ आठ हाँ वाली कितनी होंगी चार होंगी तो चार से गुना कर दोगे ये जो आठ हैं इसमें दो कॉर्नर में चले जाएंगे कितने बचेंगे छे और वो भी चार चार होंगे ऐसे इसी तरीके से जो ऊंचाई सात थी सात में से ऊपर वाला और नीचे वाला कॉर्नर में चला जाएगा तो कितने बचेंगे पांच और ऐसी ऐसी पांच पांच की भी कितनी बनेंगी चार बनेंगी अब अगला जो आपको नहीं समझ में आया बेटा एक फेस वाला देखो मुझे ये बताओ बेटा इस फेस पे कितने पीसेस है? हैं सत्तर है दस गुना सात सत्तर है लेकिन उस सत्तर में से थोड़ा सा बना देता हूं मैं ज्यादा टाइम लगेगा बनाने में वैसे समझने की कोशिश करो बेटा एक लेयर यहां से हटा दी एक लेयर यहां से हटा दी इस लेयर में ऐसी ऐसी दस लेयर थी इधर वाली लेयर गई इधर वाली लेयर गई तो अब यहाँ पे कितनी बची आठ ऐसी सात लेयर थी ऊपर वाली लेयर हटा दी और नीचे वाली लेयर हटा दी तो यहाँ पे कितने बचे पांच तो आठ गुना पांच चालीस जितने यहाँ पे हैं उतने ही बैक साइड में उधर भी होंगे उसका डबल कर दोगे इसी तरीके से जो यहाँ पे होंगे उसका डबल होगा क्योंकि नीचे भी वैसे ही होंगे जितने राइट में होंगे उतने ही लेफ्ट में भी होंगे क्लियर है बेटा समझ पा रहे हो अब चौथा जिसमें कोई भी पेंट नहीं होगा कोई रंग नहीं होगा वो कहां पे होने चाहिए वो इसके अंदर होने चाहिए अंदर होने चाहिए तो देखो बेटा ये ऊंचाई थी इसकी साथ तो दो लेयर आपने हटा दी ऊपर वाली अगर एच थी तो कितनी बनेगी इसमें एच माइनस टू ये तो कितना हो जाएगा टू बी था तो कितना हो जाएगा बी माइनस टू तो नो कलर कोई भी रंग नहीं वो कितने बनेंगे नो कलर या कलरलेस या कुछ भी बोलो बेटा रंगहीन बोलो वो कितने बनेंगे एल माइनस टू पहले एक जैसी होती थी तो आप इसका क्यूब कर देते थे अब वो अलग अलग हैं तो एल माइनस टू गुना बी माइनस टू गुना एच माइनस टू कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा एल माइनस टू गुना बी माइनस टू गुना एच माइनस टू दो तो हजार सत्ताई तेईस अच्छा हाँ आया था बेटा क्यूब गया था करें क्वेश्चन तो 23 में जो इससे प्रश्न आया था ना उसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए थे एक तो क्यूबॉइड बना दिया था और उसमें ना एक कलर नहीं पेंट किया था उसमें अलग-अलग कलर पेंट किए थे जैसे दोनों अलग-अलग पे तो अब आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है अगर वो पूछे कि लाल और हरा चाहिए आपको तो आपको वो एज देखनी है जो लाल और हरे के बीच में कॉमन होगी समझ पा रहे हो तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछा गया है उम्मीद तो यही रहेगी कि नहीं बेटा मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अच्छा इसमें देखो दो कथन है बेटा एक ऐसे ठीक पंद्रह छोटे गण है जिनके किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है दूसरा ऐसे छह फलक छह छोटे गण हैं जिनके दो फलक एक नीले तथा दूसरे हरे रंग से रंगे हुए हैं चित्र बनाऊ कि रहने दो चलो कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे चलो बेटा फाइनली तो आओ आपकी बात माननी पड़ेगी पूरा नहीं बनाऊंगा बस मैं लिख दूंगा कि ये साथ है क्या साइज है सात ये पांच और ये तीन तो ये जो सतह है इसका साइज क्या है सात बाई तीन है ये ये सात बाई तीन है ये कैसी है बेटा ऊपर वाली सात बाई पांच ना ये सात है और ये पांच है तो ये हो जाएगी सात बाई पांच ये कैसी होगी तीन बाई पांच उधर भी तीन बाई पांच कोई दिक्कत प्रत्येक युगम को लाल हरे और नीले रंग से रंगा गया है इस घनाब को काटकर प्रत्येक एक सेंटीमीटर भुजा के घन को अलग कर दिया जाता है तो टोटल कितने घन बनेंगे सात गुना पांच गुना तीन एक एक सेंटीमीटर के काटोगे तो सात गुना पांच गुना तीन अच्छा इनमें रंग देखो बेटा सात गुना पांच वाले में कौन सा रंग है लाल तो मतलब ऊपर आपने रेड पेंट करना है तो नीचे भी रेड होगा पांच गुना तीन पे हरा है पांच गुना तीन यहां पे ना ये हरा है तो यहां पे क्या होगा बेटा नीला हम कुछ और ज्यादा प्रश्न पूछेंगे इसमें ठीक है ना पहले मुझे बताओ कितने टुकड़ों पर <coughs> कितने टुकड़ों पर तीनों रंग होंगे कितने टुकड़ों पर तीनों रंग होंगे आठ कितने टुकड़ों पर कोई रंग नहीं होगा <coughs> <coughs> कितने टुकड़ों पर कोई रंग नहीं होगा एल माइनस टू गुना बी माइनस टू गुना एच माइनस टू तो बेटा ये सात है तो ये क्या बनेगा पांच ये पांच क्या बनेगा तीन और तीन क्या बनेगा एक तो क्या बनेगा पंद्रह पांच गुना तीन गुना एक कितना बनेगा पंद्रह बनेगा कितनों पे लाल रंग होगा कितनों पे लाल रंग होगा सत्तर ना पैतीस ऊपर है पैंतीस ऊपर है सात बाई पांच पैतीस नीचे होंगे सत्तर होंगे ठीक है कितनों पे लाल रंग नहीं होगा टोटल कितने थे सात तीन गुना पांच गुना सात ना एक सौ पांच है एक सौ पांच में से सत्तर पे लाल रंग है तो कितनों पे लाल रंग नहीं होगा पैंतीस पे नहीं होगा कितनों पे सिर्फ लाल होगा कितनों पे सिर्फ लाल रंग होगा तो वो आपको इसी पे देखने पड़ेंगे लाल वाले पे लाल वाले पे भी आप इसके अंदर देखोगे बेटा ये सात बाई पांच था तो कितना हो जाएगा ये पांच हो जाएगा ये तीन हो जाएगा कितने बनेंगे इस पे पंद्रह और पंद्रह नीचे भी बनेंगे तीस बनेंगे कोई दिक्कत यहां तक चलो जो इस सतह पे होंगे इस सतह पे होंगे उनपे कौन कौन सा रंग होगा इस इस सतह पे नहीं इस भुजा पे होंगे पे कौन सा होगा लाल और नीला होगा लाल और नीला होगा तो इसपे कितने होंगे जिन पे लाल और नीला होगा ये सात सात है इसमें से दो कॉर्नर वाले हटा देंगे तो कितने बनेंगे इसपे पांच कोई दिक्कत यहां तक चलो अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन पहला ठीक पंद्रह ऐसे छोटे गन हैं जिसके किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है सही है सही है, सही है। दूसरा ठीक छह छोटे गन है जिनके ठीक दो फलक उनके सिर्फ दो ही रंग दो ही फलक पेंट होने चाहिए मतलब कॉर्नर वाले लोगे कि लोगे अभी नहीं लोगे सिर्फ दो फलक होने चाहिए और उन पे कौन सा रंग होना चाहिए नीला और हरा तो नीले और हरे के बीच में देखोगे तो ये वाली मिलेंगी नीले और हरे के बीच में ये मिलेगी ये तीन वाली इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं लेना हो तो कॉर्नर में चले जाएंगे तो इस पे कितने बनेंगे बेटा एक और ऐसी एक एक की कितनी बनेंगी चार बनेगी तो उसका उसका मान कितना आना चाहिए चार आना चाहिए लेकिन यहां पे कितना दे रखा है छे तो ये कथन सही है कि गलत है गलत है तो यहां पे केवल पहला कथन सत्य है दूसरा कथन गलत <coughs> बेटा जिन पे दो ही फलक पे, पे पेंट होना चाहिए और वो कौन सा पेंट होना चाहिए वो नीला और हरा तो ये तीन वाले इस पे देखोगे हाइट पे देखोगे हाइट में बेटा ये कॉर्नर वाला चला जाएगा ये कॉर्नर वाला गया ये कॉर्नर वाला गया तो यहाँ पे कितना बचा एक और ऐसी एक एक की कि कितनी एज है चार है तो चार गुना एक कितना होता है आजकल चार होगा हाँ तो वहां पे छह दिया हुआ है तो इसीलिए वो गलत होगा कोई दिक्कत यहां तक चलो मुझे ये बताओ कितनों पे कितनों पे नीला तथा हरा होगा सॉरी नीला तथा लाल कितनों पे होगा नीला और लाल रंग कितनों पे होगा नीला और लाल कितनों पे होगा नीला और लाल मैंने हरे के लिए मना किया है क्या नहीं तो कॉर्नर वाले लोगे कि नहीं लेंगे कॉर्नर वाले तो आठ तो हो जाएंगे कॉर्नर वाले और ये जो सात है इस 7 पे दो कॉर्नर वाले आप पहले ले चुके हो तो कितने बचेंगे इस पे पांच ऐसी पांच पांच की कितनी है चार 20 इन पे हो जाएंगे और आठ कॉर्नर पे हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे कोई दिक्कत यहां तक ठीक है तो बच्चों मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके अब मंडे को मिलते हैं आई होप कि थोड़ी सी मैं हेल्प कर पाया क्यूब और क्यूबर्ड्स करने में ठीक है? फिर भी अगर कोई मेरे लाड़ प्यार दुलार में कोई कमी अगर आप लोगों को नजर आई हो ठीक है ना तो बेटा आने दो ठीक है ना इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा ठीक है ना चलो ओके मिलते हैं फिर मंडे को ठीक है